Yeah, now the recording has started as well. Cool. Then we'll start off with today's class. ठीक है? अच्छा, कल हमने क्या किया था? Joint distributions किए थे. Joint distributions का मतलब क्या होता है? छोटा सा revision कर लेते हैं. बताओ, what do you mean by joint distributions? Right. So we have two variables. ठीक है? एक big enough कि और बड़ा लिखूं? बताओ. Big enough. So we have two variables, x and y. ठीक है? उनका हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं. ठीक है? दैट जॉइंट पीडीएफ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई, राइट? ऐसे रिप्रेजेंट होता है. एंड वी हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. या यू हैव रेंज ऑफ एक्स एंड यू हैव रेंज ऑफ वाई एज वेल, दैट इज डिफाइंड, करेक्ट? दैट इज द जॉइंट पीडीएफ दैट यू हैव फॉर एफ ऑफ एक्स वाई. इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल साथ में मिलके अपना शेप या कर्व डिफाइन कर रहे हैं, अपना पीडीएफ डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकते हो. हमने सीखा था अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, फिर आपको एफ ऑफ वाई अगर और एफ ऑफ एक्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई करोगे, दोनों में इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई करोगे, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स में क्या करेंगे? ओवर द रेंज ऑफ वाई डी वाई, राइट? और जब एफ ऑफ वाई निकालना होगा तो ओवर द रेंज ऑफ एक्स डी एक्स कर देंगे. ये सीखा था ना कल हमने जॉइंट पीडीएफ में? एक सेकंड रुको. याद है ना, ये हमने कल सीखा था मार्जिनल पीडीएफ के बारे में. और फिर हमने एक्सपेक्टेशंस निकालने सीखे थे. ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई सीखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई सीखा था. अच्छा, अगर ये आ गया तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो, है ना? यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो. अगर एक बार एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऐसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो ओवर द रेंज ऑफ एक्स. और यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल सकते हो. बताओ, हाँ या ना? राइट? एक बार मार्जिनल पीडीएफ निकल गए तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जैसा कुछ निकालना हो तो क्या करोगे? एफ एक्स वाई चाहिए होगा, है ना? इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रेंज ऑफ एक्स एंड अनदर इंटरपोलेशन, अनदर इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ वाई. या ऐसा होता था, याद है? ठीक है? क्योंकि अब अपने पास दो वेरिएबल्स है तो दोनों वेरिएबल्स के अंडर अपने को इंटीग्रेट करना होगा. याद है सबको? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? यही सीखा था ना कल, है ना? अच्छा, इंडिपेंडेंस के बारे में सीखा था ना? क्या सीखा था इंडिपेंडेंस के बारे में? अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है देन एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज द जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल पीडीएफ. बताओ, हाँ या ना? याद है? पीपल ऑन द कॉल, डू यू ऑल रिमेंबर दिस? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? इसका मतलब क्या होता था? That these two variables are x and y are independent, है ना? अगर not equal to है तो dependent है. ठीक है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? बताओ. I think यहाँ तक ही हुआ था ना कल. और कुछ expectations introduce हुए थे? Expectation of x y. Expectation of x y भी ऐसे ही निकाला था ना, है ना? अच्छा, डिपेंडेंट लिमिट्स मतलब? हाँ, ठीक है, ठीक है. तो वो सब हो गए थे, वहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है कोवेरियंस. ठीक है? अच्छा, कोवेरियंस से का नाम पहले कभी सुना है? क्लास 10 11 12 में कभी तो सुना होगा. क्या होता है? हाँ, ऐसा कुछ होता है जो एक्स एंड वाई, वापस यहाँ पे दो वेरिएबल का गेम है. ठीक है? अगेन यू विल बी एसोसिएटिंग विद टू वेरिएबल्स. ठीक है? उन दोनों वेरिएबल के बीच में सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है. क्या करता है वो अपने एग्जैक्टली देखेंगे, बट सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है. ठीक है? नाउ देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ लाइक थिंग्स, क्वाइट अ नंबर ऑफ लाइक पैरामीटर्स, जैसे कोवेरियंस, कोरिलेशन भी आगे पढ़ेंगे, जो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है. कोवेरियंस उनमें से एक है. ठीक है? उसका फॉर्मूला क्या है लिख लो. देखो, कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई
इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ होल एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ओके इन टू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ठीक है, ये लिख लो कि को वेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इन टू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ठीक है, अच्छा जब आप वेरियंस निकालते हो तो क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो जाता है, बताओ हाँ कि ना. तो एक तरीके से कोवेरियंस दो वेरिएबल का नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, द डेविएशन अराउंड मीन कैलकुलेट करता है और उनको मल्टीप्लाई करते जाता है. एक्स माइनस एक्स बार क्या हुआ, डेविएशन अराउंड मीन हुआ ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन है ना. तो दोनों का एक्सपेक्टेशन ऑफ का दोनों के एक्सपेक्टेशन का डेविएशन कैलकुलेट करेगा है ना, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उसका एक्सपेक्टेशन ले आएगा, तो वो हुआ कोवेरियंस. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको यही नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर देखो, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस वाई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये ब्रैकेट खोला है ना, सही है. चलो अब मैं इस एक्सपेक्टेशन की ब्रैकेट को खोलूंगा, क्या क्या आएगा देखो, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा पहला वाला टर्म. अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई तो कांस्टेंट है ना, मीन मीन निकाल लिया आपने, वाई बार निकाल लिया, वो कांस्टेंट हो गया. तो मैं जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई करूंगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई को बाहर ला सकता हूँ, तो मैं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है ना. सेम थिंग यहाँ पे भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट था तो मैं वापस इसको इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई लिख दूं, राइट. लास्ट में एक टर्म बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का, एक और टर्म बचा. ठीक है, फाइनल क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, यस और नो. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. देख लो, ये कोई भी दिक्कत है तो बताओ इसमें. सिर्फ स्टार्टेड विद कोवेरियंसेस टुडे, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ फॉर व्हाट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को बताइए, ऑल गुड. अच्छा हम बात कर रहे थे ना, जैसे ये कोवेरियंस और वेरियंस बहुत सिमिलर लग रहा है ना. तो देखो मैं वेरियंस को कोवेरियंस के टर्म्स में अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे एक्सप्रेस करूंगा, देखो इफ आई कैन से दैट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज व्हाट, टेल मी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर है ना, क्योंकि एक टर्म ये और बार आएगा है ना. चलो एक और स्टेप दिखा देते हैं, इनटू एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही तो होगा, राइट, यस और नो. तो अगर मैं इसको सोचूं, देखो ये जब सिंप्लीफाई होता था क्या आता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या दिस गॉट सिंप्लीफाइड टू दिस, ये हमने पढ़ा था ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेरियंस ऑफ एक्स, यस. या फिर एक्स इस अगर फॉर्म में लिखूं मैं, इस वाले फॉर्म में देखो, यही हुआ ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई भी एक्स ही है, समझ गए. ठीक है, सो द सेम फॉर्म, सो वेरियंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट को वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, समझ में आया, लिख लो ये. यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ.
अच्छा, जैसे वेरिएंस का जो अपने होता था यूनिट, क्या होता था वेरिएंस का यूनिट? स्क्वायर यूनिट्स होता था, कोवेरिएंस का भी स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है? एक्स का यूनिट इंटू वाई का यूनिट इज स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? तो कोवेरिएंस का अगर कोई यूनिट पूछे तो स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है? एक्स का यूनिट, अगर एक्स का यूनिट डॉलर्स है और वाई का यूनिट्स आज है, तो डॉलर आज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक्स वाई, पहले तो एक्स और एक्स सेम वेरिएबल होते थे, तो डॉलर स्क्वायर हो जाता था या आर स्क्वायर हो जाता था, अब क्या हो जाएगा, डॉलर आर या वैसा कुछ हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देख लो अच्छे से यहां तक. हमने कोवेरियंस से शुरुआत की आज, ठीक है? सो वी हैव कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ फॉर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस. यहां तक सब लोग अच्छे से कॉपी कर लो, कोई भी दिक्कत है तो देख लो. सो दिस इज बेसिकली जस्ट स्टेटिंग व्हाट द फॉर्मूलाज फॉर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, ठीक है? ये एक नया क्वांटिटी है जो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन को एक्सप्रेस करने का एक अटेम्प्ट है. ये वाला, हाँ, बस मैंने दिखाने की कोशिश की है कि देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स लूंगा तो वेरियंस ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से, ये कौन सा वाला सॉल्व, मतलब मैं दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, वो वही तो कह रहे हो. देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स का ये फॉर्मूला होगा, जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, है ना? वेरिएंस ऑफ एक्स का वो फॉर्मूला सीखा था ना हमने, तो वही, ठीक है? जॉइंट कंप्लीट होना पड़ेगा. हाँ, ज्वाइंट कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कंडीशनल भी कर लें, ठीक है? आपका कॉपी हो जाए तो बताना, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, देन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई विल बी जीरो, है ना? बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. तो लिख लो दैट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी जीरो. एक्स कॉमा एक्स यहाँ पे, तो क्या कह रहा हूं मैं, दैट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी जीरो, राइट? विच मीन्स वॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. यस, कोवेरियंस का वो फॉर्मूला, दैट मीन्स दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, या तो हमने ये डिराइव करके दिखा दिया. ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत किसी को बताओ. अच्छा अब हम देखेंगे कि कैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स लेते थे तो क्या करते थे, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ले लेते थे, राइट? आप जब वेरियंस ऑफ ए एक्स लेते थे तो क्या करते थे, ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स ले लेते थे, राइट? एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ विल सी हाउ वी कैन हैंडल दीज लाइक कॉन्स्टेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेरियंस, ठीक है? सेम चीज देखेंगे कि कोवेरियंस के ब्रैकेट के साथ क्या होता है, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ओके, कॉमा सी वाई प्लस डी, ठीक है? ये निकालने की कोशिश करेंगे. क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी वाई प्लस डी. यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऑल फोर आर कॉन्स्टेंट्स,
एंड एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, हर पेयर ऑफ डेटा के बीच में अपना कोवेरियंस निकालोगे, ओके, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा सी वाई, ओके, प्लस कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा डी, प्लस कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा सी वाई, सॉरी, प्लस कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा सी वाई, प्लस कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा डी, ठीक है। जब भी एक कोवेरियंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल कॉमा कॉन्स्टेंट आता है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, वट वुड आई राइट, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा डी, या प्लस कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा प्लस कॉमा सी वाई, राइट, प्लस कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा सी वाई, प्लस कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा डी, या है ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यू आर फाइंडिंग द कोवेरियंस विद अ कॉन्स्टेंट टर्म, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है। क्या बचा, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा सी वाई, यस और नो, ठीक है ना यहां तक। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपने दोनों कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे कोवेरियंस के टर्म से, ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है वो ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अप नहीं होगा, ठीक है। सो कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी विल सिंप्लीफाई आउट टू ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। Does this make sense? Yeah. Similarly, what will happen to covariance of x comma x plus y? Batao. Perfect. So this will become covariance of x comma x plus covariance of x comma y. That is what variance of x plus covariance of x comma y, yeah. So variance of x plus covariance of x comma y, ठीक है, ये भी सही है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। Finally, the last thing that we'll see here is covariance of x plus y comma w plus z. Here all four are random variables. So this will pan out to be कोवेरियंस ऑफ, हर पेयर के लिए निकालोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा जेड, ठीक है। समझ आया, एक्स एंड एक्स वाई, या एक्स डब्ल्यू होगा, राइट, पहले वाला एक्स डब्ल्यू होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसमें बताओ, यहां तक ऑल गुड, देख लो अच्छे से, या नेक्स्ट चीज क्या देख रहे हैं अपने, नेक्स्ट थिंग दैट विल टॉक अबाउट is the Pearson's correlation coefficient, ठीक है, Pearson's correlation coefficient. How do you represent it? You represent it as rho. ये rho नाम का एक सिंबल होता है जो P जैसा दिखता है, ठीक है, उस rho से अपने represent करते हैं, you call it either rho x y or rho x comma y, ठीक है, या फिर आप simply cor of x comma y भी लिख सकते हो, ये सारे notations है to represent what is the Pearson's correlation coefficient. तो कहीं भी role लिखा हो तो समझ जाना Pearson correlation coefficient की बात कर रहा है, ठीक है। क्या होता है ये अपना, so rho x y is given by what, rho x y is given by covariance of x comma y divided by root over variance of x into variance of y, okay, so that is your formula for
रो एक्स कॉमा वाई, ठीक है लिख लो। एंड द लिमिट्स ऑफ दिस रो इज दैट रो विल ऑलवेज स्टे बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है यहां तक बताओ, कोई भी दिक्कत? अच्छा, तो द रीजन दैट वी गो ऑन टू पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रादर देन स्टिक टू कोवेरियंस इज वेरी सिमिलर टू व्हाई वी मूव ऑन फ्रॉम वेरियंस टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरियंस का क्या प्रॉब्लम है कि वो स्क्वायर यूनिट्स में रहता है ना, तो इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? तो अपने क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के यूनिट एक ही होते हैं, है ना। एक्स का यूनिट एक है, एक्स का यूनिट एक है, तो एक्स स्क्वायर, जैसे अगर एक्स का यूनिट डॉलर है तो डॉलर स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का यूनिट डिफरेंट है ना, तो अपने क्या करते हैं, एक्स अगर जैसे आवर्स है, वाई डॉलर्स है, तो कोवेरियंस का क्या हुआ, डॉलर आवर्स, है ना द यूनिट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग बाय अ फैक्टर व्हिच हैज द यूनिट डॉलर, आई एम डिवाइडिंग व्हिच हैज आवर्स, ठीक है, टू गेट अ यूनिट दैट डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है, टू गेट अ क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि रूट वेरियंस का क्या यूनिट होगा, डॉलर, रूट वाई का क्या होगा, आवर्स, तो डॉलर डॉलर आर आर कट गया, है ना। क्या बचा, एक एक यूनिट लेस क्वांटिटी बचा जो अपने को बस दिखा रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। या आज हमने कोवेरियंस शुरू किया अभी, ठीक है, तो हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। आप यहां से कॉपी करना शुरू करो, कुछ एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ने से हो जाएगा ना, है ना, एक पेज छोड़ दो और फिर शुरू करो, ठीक है। तो क्या क्या कहा हमने कि रो की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। -1 और 1 का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अ वैल्यू ऑफ -1 इंडिकेट्स दैट देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, ठीक है। सो इफ आई हैव रो इक्वल्स -1 द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एकदम परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। सो अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, दैट इज व्हाट अ वैल्यू ऑफ रो और अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ -1 इंडिकेट्स, ठीक है। वही अगर मैं कहूं रो इक्वल्स 1 तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, परफेक्टली अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, है ना, यस। अच्छा, जब रोज कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब व्हेन इट इज क्लोजर टू 0, तो कैसा बनेगा, रैंडमली बनेगा, सर्कल जैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि तब कोई रिलेशनशिप है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई के साथ क्या हो रहा है ना। कैटर में बस वैल्यूज आ गए, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, कभी एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, कभी एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, सो यू आर नॉट एबल टू रियली आइडेंटिफाई व्हाट इज द काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो अगर रो 0 होगा तो क्या बोलेंगे, एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। सो व्हेन रो इज 0 वी कॉल इट अनकोरिलेटेड, ठीक है। अगर रो 1 हो गया तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और रो -1 हो गया तो क्या कहोगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो कि को वेरियंस ऑफ एक्स और एक्स एंड वाई क्या होगा, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, को वेरियंस एक्स वाई क्या पढ़ा था हमने, 0, तो रो भी 0 हो जाएगा, है ना। सो इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, को वेरियंस इज 0, रो इक्वल 0, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहां तक बताओ, एनी क्वेश्चंस, ऑल गुड। आप लोग के पास मैट है क्या इंस्टीट्यूट का, नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, विल डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
I'll write down the question on the बोर्ड इट सेल्फ सो दैट इट्स ईजियर सो वी कैन सॉल्व इट आउट. ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ पहले, अगर आप लोग को रेफर करना हो बाद में. दिस इज ऑन पेज 25 ऑफ द इंस्टीट्यूट मटीरियल. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज दैट एफ ऑफ यू कॉमा वी इज गिवेन बाय 2u प्लस वी डिवाइडेड बाय 3000 वेयर 10 इज लेस देन यू लेस देन 20. कल ये क्वेश्चन नहीं किया ना, वो कल लिया क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, सो विल नॉट डू दिस क्वेश्चन अभी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया था? fx fx y करके फिर सब कैलकुलेट कर लिया था ना. ठीक है, सो यू हैड कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. चलो ठीक है, सो देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ. ठीक है, अब देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ सम्स क्या होते हैं. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने वेरिएंस ऑफ ए एक्स ऐसा पढ़ा था, क्या होता था? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता था. ठीक है, ये हमने पढ़ा है, राइट? और क्या हमने ये पढ़ा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई? ये पढ़ा है क्या हमने? ये भी पढ़ा है, क्लास में नहीं पढ़ा है ना ये. ठीक है, तो क्या होता है? दिस इज बेसिकली योर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, लिख लो ये इक्वेशन. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वेरिएंस ऑफ ए एक्स पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट. दिस इज योर इक्वेशन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट वेरिएंस ऑफ the addition of two particular random variables. ठीक है, variance of x plus y can be expressed as variance of x plus variance of y plus twice of covariance x comma y. इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? अगर मुझे इसका प्रूफ दिखाना हो, हाउ कैन आई प्रूव दिस यूजिंग what you've learned for covariance? kya main isko aise likh sakta hu ki variance of x plus y is equals to covariance of x plus y comma x plus y, hai na? humne dekha tha na variance of x equals covariance of x comma x, hai na? to variance of x comma y x plus y is equal to covariance of x plus y comma x plus y. theek hai, nikalo ab isko simplify karo, kya hoga? covariance of x comma x aa jayega प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, है ना? प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा एक्स आएगा एंड फाइनली यू विल गेट कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा वाई. यस और नो? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्या हो गया? वेरियंस ऑफ एक्स, राइट? कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा वाई क्या हो गया? वेरियंस ऑफ वाई एंड फाइनली आई विल हैव अ ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा एक्स. ठीक है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं दैट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट विल बी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई? बताओ. एग्जैक्टली, सो इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई. ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत बताइए? ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस सो फार? टेल मी, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कुछ बैक क्वेश्चंस करें कि पहले नेक्स्ट चैप्टर पे आए? कुछ बैक क्वेश्चंस कर ले पहले. आपने कल बैक क्वेश्चंस किए थे क्या इसके? बस वही क्वेश्चन किया था. तो इन दैट केस लेट्स डू अ कपल ऑफ बैक क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर फॉर कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, कौन सा करते हैं? क्वेश्चन वन से ही शुरू करते हैं. ठीक है, आई विल जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. सो दिस इज व्हाट, चैप्टर फोर बैक क्वेश्चंस. यहां तक सबको क्लियर है ना? पीपल ऑन द कॉल, ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, टेल मी. आप लोगों को क्लियर है? अभी तक क्या किया हमने? बस कोवेरियंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला सीखा है.
उसको कैसे अप्लाई करेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आए, देख लेंगे ठीक है। अभी हम और जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट पीडीएफ, कल जो हमने चैप्टर किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके ऊपर और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कल आप लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था ना, वो और कुछ नहीं किया था, ठीक है ठीक है, देख लेना। आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन पीछे आया हुआ होगा तो विल नॉट डू इट। ओके कूल, लेट्स लुक एट क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय सी इंटू एक्स प्लस थ्री वाई, वेयर रेंज ऑफ एक्स इज गिवन एज जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू एंड रेंज ऑफ वाई इज गिवन बाय जीरो लेस देन वाई लेस देन टू, देन इन पार्ट वन कैलकुलेट सी एंड इन पार्ट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, सॉरी एक्स लेस देन वन वाई ग्रेटर देन 0.5। कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ सी? अपने को ये पता है सारा प्रोबेबिलिटीज का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन। तो आई विल टेक इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई ओवर बोथ एक्स एंड वाई डीएक्स डी वाई एंड आई विल इक्वेट इट डाउन टू वन। तो क्या आएगा, दो इंटीग्रल ले लेता हूँ, दोनों का रेंज जीरो से टू है ठीक है, सी ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई या सी इंटू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स वन, यस और नो? कर लो कैलकुलेट। बताओ आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ कैलकुलेट करके। जब डी वाई से करोगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा है ना, और जब डी एक्स से करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वन बाय सिक्सटीन आ रहा है राइट, सो सी इज कमिंग आउट टू बी वन बाय सिक्सटीन, देख लो सब लोग कैलकुलेट कर लो। अब अगर आपको पार्ट टू वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वन वाई ग्रेटर देन 0.5। सी सिक्सटीन आ रहा है सबका, बताओ सी सिक्सटीन में किसी को कोई भी दिक्कत, दिक्कत है तो बताइए। सी अच्छा, जब लेस देन वन एंड ग्रेटर देन 0.5 करोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रल को लिमिट्स के लिमिट्स को ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि जिस रेंज में अपने को प्रोबेबिलिटीज चाहिए है ना। फॉर एग्जांपल अपने को एक्स लेस देन वन चाहिए तो एक्स का जब रेंज डिफाइन करेंगे जीरो से वन कर देंगे क्योंकि एक्स का स्टार्टिंग रेंज है जीरो है ना। तो जब वाई ग्रेटर देन 0.5 करोगे तो क्या करोगे, 0.5 से टू कर दोगे बिकॉज वाई का रेंज इज जीरो से टू है ना, बताओ हाँ कि ना? तो कैन आई राइट इट एज रेंज ऑफ जीरो टू वन अनदर रेंज ऑफ, अनदर रेंज ऑफ 0.5 टू टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, नाउ सी की वैल्यू आई नो इज 1/16 इंटू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स राइट, आई विल कैलकुलेट दिस आउट। सी की वैल्यू सबकी 1/16 आ रही है या किसी को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, देख लो। जीरो पॉइंट 3984, ओके 37, देख लो सबका ये आंसर आ रहा है ना।
ये सही है, 0.398 सही है। हाँ देखो, सी 1/16 यूज किया है ना। इंटीग्रल सेम होंगे, बस वैल्यूज पुट करने में कहीं दिक्कत आई होगी। देखो आया सबका आंसर 0.3984 वॉट एवर दैट इज। आ गया, देखो सॉल्व करो। सी 1/16 आया ना, तो बस कहीं इंटीग्रल में वैल्यू पुट करने में दिक्कत हुई है। आ गया, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टू। और यहाँ पे इन्होंने इसको एग्जाम स्टाइल लिख रखा है, देखते हैं क्या है। दे आर सेइंग दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, जस्ट टू, एंड द रेंजेस ऑफ एक्स एंड वाई हैव बीन डिफाइंड एज व्हाट, लेट्स सी, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एंड दे हैव गिवन अनदर रेंज एज एक्स प्लस वाई लेस देन वन, ठीक है। ओके, द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग डिराइव मार्जिनल डिराइव एफ ऑफ वाई, ठीक है। चलो ये पार्ट वन करो, कैसे करोगे, कोई आइडिया है? हाँ, तो एफ ऑफ वाई निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट दिस ओवर द रेंज ऑफ एक्स, राइट, विद डी एक्स, राइट। यहाँ पे एक्स का रेंज क्या लोगे, एग्जैक्टली नॉट जीरो टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये एक और दे दिया गया है ना, क्या कि एक्स इज लेस देन 1 - y, है ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट इज लेस देन 1 - y, सो द अपर लिमिट ऑफ एक्स विल बी 1 - y, ठीक है। देखो क्या आएगा, ये 2 × 1 - y, ठीक है। इन पार्ट टू दे आर सेइंग फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स वाई, ये सीखा था, निकालो। वॉट यूज टू बी द कंडीशनल पीडीएफ, कैसे एक्सप्रेस करते थे इसको, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, यही होता था ना, अपने को दोनों पता है। अब अपने को ऊपर 2 नीचे ट्वाइस ऑफ 1 - y, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 / 1 - y, बट ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, वाई इज दिस आंसर इनकम्प्लीट, अपने को लिमिट्स, मतलब अपने को लिमिट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किस चीज का कर रहे हो, एक्स का कर रहे हो, तो एक्स की लिमिट्स डिफाइन करोगे कहाँ से कहाँ, एक्स रेंज करते हैं 0 < x < 1 - y, ठीक है। सो रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर डिफाइनिंग एनी ऑफ योर प्रोबेबिलिटीज, लाइक पीडीएफ अगर निकालने को कहे, साथ में लिमिट्स निकालने को भी कहता है, ठीक है। विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस इंक्रीजिंग अ लॉट, ऐसे करेंगे कि दो पार्ट या तीन पार्ट सेम पीडीएफ दे देंगे और लिमिट्स डिफरेंट रखेंगे केवल, ठीक है, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि लिमिट्स कैसे निकालते हैं। ओके, ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस गाइस, कूल, इन दैट केस आई लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन थ्री इज व्हाट, क्वेश्चन थ्री इज दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय 1/6 × x² + xy, ठीक है। द रेंज ऑफ the two variables is given by 0 < y < x < 2. First part में वापस वही निकालना है, you have to find the conditional PDF of x given y equals y,
ये किया हुआ है क्या? चलो कूल, तो ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, 0.3984। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ? या ऑल गुड, कूल। देन आई लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हिच टॉक्स अबाउट, अगेन दे हैव कॉल्ड दैट एन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। दैट इज सेइंग दैट एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय 4/5 इंटू 3x² प्लस एक्स वाई, ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1 and 0 is less than y less than 1, ठीक है। First they are saying determine f of x, निकालो। Then they are saying conditional density of y given x equals small x, okay? And part 3 they are saying covariance of x comma y. To calculate these three things out, चलो निकालते हैं एक एक करके। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस ऑन रेंज 0 टू वाई 1, राइट, ऑन द रेंजेस ऑफ वाई होगा ना, सो व्हाट 4/5 कॉमन है ही, बाहर निकाल सकते हो 3x² प्लस एक्स वाई डी वाई हो जाएगा, सो विल ट्रीट एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। देखो ये आएगा फाइनल आंसर, क्या ठीक है ना? अच्छा, दोनों को डिवाइड करके कंडीशनल डेंसिटी तो निकल जाएगा ना, अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मालूम है, एफ ऑफ एक्स मालूम है, तो कंडीशनल डेंसिटी निकल जाएगा। तो आई एम स्किपिंग डायरेक्टली टू पार्ट 3, जैसे हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालो। व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई? वी हैव लर्न दैट इट इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना? तो आप पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालोगे, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालोगे, एंड फाइनली विल गेट कोवेरियंस का आंसर। निकाल लो, वी हैव फाउंड आउट एफ एक्स, राइट, लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ वाई एज वेल, क्योंकि अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के लिए चाहिए। वॉट इज इट, 0 to 1, 4/5, 3x² प्लस एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, 4/5 कॉन्स्टेंट स्टेज, राइट, x³/3 हो जाएगा, तो 1 - 0, सो दैट विल बी 1, प्लस y विल रिमेन अ कॉन्स्टेंट, विल हैव x² / 2 व्हिच विल 1 - 0, इट विल रिमेन हाफ, सो 1 + y/2, ठीक है, 4/5 × 1 + y/2, दैट्स योर f of y। फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालोगे, x into fx, what is f of x, 4/5 × 3x² + x/2 dx 0 to 1, ठीक है, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, 3x³/3, x 4/4 हो जाएगा, 11/15 आएगा, राइट, क्या हो जाएगा, x 4/4 हो जाएगा, राइट, सो 3/4
प्लस एक्स क्यूब बाय सिक्स विच विल बी 1/6, है ना? कौन सा ये एफ ऑफ आई? तो क्या होगा, जैसे ये वाला ना, तो इसके लिए क्या करोगे, वाई गिवन एक्स इक्वल्स एक्स क्या होता है, इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कॉमा वाई मालूम है, एफ ऑफ एक्स मालूम है, दोनों को डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 11/15 आ रहा है सबका, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी निकाल लो। एफ ऑफ वाई क्या है, 4/5 बाहर, 1+y/2 अंदर। एट बाई फिफ्टीन आएगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, निकाल के बताओ क्या हो रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई सॉरी दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालो अब, कोवेरियंस निकालने के लिए तीनों निकालने होंगे, है ना? सेवन बाई एटीन, राइट। माइनस में आएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, 7/18 माइनस 8/15 इनटू 11/15, राइट, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, टेल मी, 450। देख लो सबका ये आंसर आ रहा है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। कैलकुलेट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। एट बाय फिफ्टीन आ रहा है, 1+y/2 है। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस? ऑल गुड, सही है यहाँ तक?
बताओ कोई भी दिक्कत। सब सही है, आगे बढ़े, सबके आंसर्स आ रहे हैं क्या? आप बताओ, निकाल लो, आ गया और सबका आ गया, बता क्या आ रहा है? एक बार कैलकुलेशन वापस ट्राई करना, आ जाएगा। ठीक है, अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, लेकिन समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं अपने? ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कल सीखा सीखा था, एफ एक्स और एफ वाई निकालना कल सीखा था, मार्जिनल डेंसिटीज निकालने सीखे थे, उन दोनों को यूज करके बस अपने कोवेरियंस निकालते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोरिलेशन भी निकालने को कहता, आप निकाल सकते थे, है ना? वेरियंस ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपना वेरियंस ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली वेरियंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं, और फिर दोनों का डिविजन लेके विद द वेरियंसेस अंडर रूट वी कैन कैलकुलेट रो, दैट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट और द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एनी क्वेश्चन सो फार? ये सबको क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कूल, इन दैट केस विल कम टू अ चैप्टर दैट इज वेरी रिलेटेड टू दिस कॉल्ड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज वॉट, चैप्टर 5, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अच्छा, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से क्या समझते हो? कुछ दिमाग में आ रहा है? क्या चीज की बात कर रहे हैं ये लोग? कुछ कंडीशनल रैंडम वेरिएबल होगा, उसका एक्सपेक्टेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखो, हमने एक पीडीएफ पढ़ा, जो कंडीशनल पीडीएफ था ना, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स एक्स, है ना? ये कंडीशनल पीडीएफ पढ़ रहे थे ना अपने, है ना? ये किस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ था? ये वाई गिवेन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स का था, है ना? यही था ना वो वेरिएबल जिसका ये कंडीशनल पीडीएफ था, बताओ हाँ कि ना, है ना? अब अपने इसी रैंडम वेरिएबल, ये जो टर्म है ना, इसका जब एक्सपेक्टेशन निकालने का कोशिश करेंगे, उसी को कहते हैं अपने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो व्हाट विल वर्क विद इज विल वर्क विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, ओके, विच इज ऑल्सो एट टाइम्स रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट वाई गिवेन एक्स। ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स दिया गया हो, कहा गया हो, समझ जाओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स निकालना है। ओके, ठीक है, अच्छा, अब अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है, तो पीडीएफ के अंदर वाई इंटू एफ एक्स आएगा, वाई इंटू वॉट एवर द पीडीएफ इज, टेल मी यस और नो, है ना? बताओ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ, इज एन इंटीग्रल ऑफ क्या होगा यहां पे बताओ, वाई इंटू वॉट एफ वाई गिवेन एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, यस और नो? या टेल मी गाइस, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल रहे हैं, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाला तो एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई कर दिया था ना, तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स की वैल्यू ये है, स्मॉल एक्स है, पीडीएफ क्या है, ये एफ ऑफ वाई गिवेन एक्स इक्वल्स एक्स एक्स कॉमा वाई, राइट? अब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है तो क्या करोगे, वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे और निकाल लोगे। यहाँ पे याद रखना, जब भी आप वाई गिवेन एक्स इक्वल्स एक्स का निकालते हो, तो वह किसके टर्म्स में होता है, एक्स के टर्म्स में होता है कि वाई के टर्म्स में होता है? जब आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालते हो, गिवन कैपिटल एक्स इक्वल्स एक्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ बोथ, राइट? एक्स एंड वाई दोनों के टर्म्स में होता है ना? ऐसा नहीं होता कि केवल वो एक्स के टर्म्स में होता है, वाई के टर्म्स में होता है, दोनों के टर्म्स में होता है। ठीक है, बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, विल इंटीग्रेट इट ओवर डी वाई। ठीक है, ओवर द रेंज ऑफ वाई व्हेन यू इंटीग्रेट इट, यू गेट व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स इक्वल्स एक्स। समझ में आया ये बात? ठीक है, अगर यही, ये किसके लिए, ये कंटिन्यूअस के लिए, राइट? अगर यही मुझे डिस्क्रीट के लिए लिखना हो, तो मैं इंटीग्रेशन की जगह कौन सा सिंबल यूज करूंगा, समेशन। सो दिस विल बिकम सम व्हाट, समेशन ऑफ रेंज ओवर वाई इंटू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई इक्वल्स वाई गिवन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स एक्स,
सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू वाई इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स वाई कॉमा कैपिटल एक्स इक्वल्स एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स एक्स. क्या लिखा है मैंने, एफ एक्स वाई डिवाइड बाई एफ एक्स लिखा है ना, बस उसको और सिंप्लीफाई कर दिया. ये क्लियर है सबको, बताओ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो मैं सेम चीज यहां भी लिख सकता था. क्या लिख सकता था यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी वाई ओवर द रेंजेस ऑफ वाई. यस, कोई भी दिक्कत इसमें बताओ? ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? या एनी क्वेश्चंस? या थोड़ा सा नीचे, ठीक है आगे बढ़े. ठीक है, सबने लिख लिया? ठीक है, एक अब टेबल बनाते हैं चलो एक्स एंड वाई की वैल्यूज का, x की वैल्यूज दैट कैन बी टेकन हियर इज 1 एंड 2 एंड द वैल्यूज दैट कैन टेक फॉर y इज व्हाट 10 20 एंड 30 एंड x की वैल्यूज आर 1 एंड 2. ओके, ठीक है, यू हैव बीन गिवन द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, यू हैव बीन गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज. क्या दी गई है जॉइंट प्रोबेबिलिटीज? 0.2, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3 and 0. ठीक है, so these are the probabilities that have been given to you. ठीक है, find out expectation of y given x equals 1. कैसे करोगे बताओ? अच्छा, गिवन x इक्वल्स 1 है तो आप पहले प्रोबेबिलिटीज निकालोगे. एफ ऑफ y गिवन x इक्वल्स 1 क्या होंगे? इसका सम, इस रो का सम निकालोगे है ना, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 क्या हुआ 0.5 है ना. तो आपका एफ ऑफ जो y गिवन x इक्वल्स 1 का प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, y given x equals 1 का जो probabilities है वो क्या होंगे, 0.2 divided by 0.5, 0.2 divided by 0.5 and 0.1 divided by 0.5. बताओ हाँ कि ना, है ना, ये तीन को मैंने यूज किया और 0.5 से डिवाइड किया. क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू f of x comma y divided by f of, बताओ, x है ना. तो f ऑफ x इस पॉइंट पे क्या है, 0.5, राइट, एंड यू डिवाइड एवरी f ऑफ x कॉमा y, सो गेट दीज टू थ्री प्रोबेबिलिटीज जो क्या है 2/5 विच इज व्हाट 0.4 एंड 0.2. यस, तो आपको ये अपनी तीन प्रोबेबिलिटीज मिल गई. अब अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल्स 1 निकालना है तो क्या करोगे, तीनों रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू से. एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है तो आपने देखा था ना कि y इंटू वो हो रहा है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 इंटू 0.4 प्लस 20 इंटू 0.4 प्लस 30 इंटू 0.2. तो क्या आएगा देखो, 4 प्लस 8 प्लस 6 राइट,
विच इज 18, देख लीजिए। अब देखो यही चीज कंटिन्यूअस के लिए भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय 3/5 ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, वेर रेंज ऑफ एक्स इज गिवन एज 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड रेंज ऑफ वाई इज गिवन बाय 0 लेस देन वाई लेस देन 2 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल स्मॉल एक्स। ठीक है, पहले क्या करोगे, मार्जिनल ऑफ एक्स निकालोगे, डिवाइड करके कंडीशनल पीडीएफ निकालोगे, फिर कंडीशनल पीडीएफ यूज करके अपने फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, करो एक एक करके। तो फॉर द आंसर फॉर टू दिस पार्ट आई फर्स्ट कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स विच इज वॉट इंटीग्रल ओवर द रेंज ऑफ वाई, तो 0 to 2, 3/5 बाहर आ जाएगा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, एक्स कॉन्स्टेंट है, राइट तो 2x कॉमन ले लो ना, राइट देख लो ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, विच मीन्स वॉट इज एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, थ्री बाय फाइव, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ बचेगा है ना, x प्लस वाई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, हेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ y इनटू दिस एंटायर थिंग राइट, x प्लस वाई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 dy राइट, y का रेंज क्या है ऊपर 0 से लेके 2, ठीक है, सो 0 से लेके 2 आई विल पुट द रेंज ऑफ y, तो x क्या है कांस्टेंट है याद रखना, तो मैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 पूरा बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई राइट, क्या आएगा बताओ, थ्री एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 बाहर है ना, सबका ये आ रहा है देख लो, नहीं आ रहा ये, आई एम नॉट चेकिंग द आंसर्स राइट नाउ, बताओ ये सबका नहीं आ रहा है तो बताओ, देन वील हैव अ चेक, सॉल्व करेंगे पूरा, क्या होगा x इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 विच इज वॉट x इंटू 4/2 राइट विच इज 2x, या दिस इज 2x प्लस y क्यूब बाय 3 विच इज वॉट 8/3 राइट, यही आ रहा है ना, सही है सबका ये आ रहा है। तो एक बात बताओ, वॉट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इन टर्म्स ऑफ,
इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना आंसर अपना, राइट? बिकॉज अच्छा एक्सपेक्टेशंस यूजुअली इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट रहते हैं, बात बताऊं हाँ कि ना? यहाँ पे बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, यू कैन से दैट एक्स इज अ कांस्टेंट, राइट? सो इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, बट बिकॉज कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. समझ गए? सो योर एक चीज यहाँ पे लिख लो, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एक्स. ठीक है, समझ आया? बताओ. बताइए कोई भी दिक्कत, एनी क्वेश्चंस गाइस? या कूल, देन लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट योर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय 1/6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ओके, रेंज ऑफ वाई एंड एक्स इज गिवन बाय 0 <y>, <x>2. फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स एक्स. पहले क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स निकालोगे? निकालो एफ ऑफ एक्स, निकाल के मुझे डायरेक्ट बताओ क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स. करेक्ट, वाई की 0 to x होगी और एक्स की y to 2 होगी. ठीक है, सो यू आर टेकिंग रेंजेस, टेक रेंजेस सच दैट वाई का रेंज इज 0 to x एंड एक्स का रेंज इज y to 2. ओके, कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स एंड फाइनली कैलकुलेट एफ ऑफ वाई गिवन एक्स एज वेल एंड टेल मी व्हाट दोज टू नंबर्स आर. मुझे डायरेक्ट एफ ऑफ वाई गिवन एक्स ही बता दो. सर आपने अभी कौन से पार्ट के लिए लिमिट्स बोली थी? मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए लिमिट्स कही हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है वेर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1/6 x² + x y. मैं कह रहा था जहां भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी एफ ऑफ एक्स के लिए करना होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप क्या लिमिट्स लोगे यहाँ पे? 0 to x. ठीक है, जो भी आ रहा है मुझे ये बताओ फाइनल एफ ऑफ वाई गिवन एक्स. y गिवन x निकालते हुए हम लोग हम y में कांस्टेंट रेंज ले चाहिए, सोचो मतलब सोचो y का रेंज. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे स्टिल यू हैव अ वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x, टेल मी. या सो गिवन दैट x इज इक्वल टू स्मॉल x, y कैन ओनली बिटवीन 0 एंड दैट वैल्यू ऑफ x, राइट? सो स्टिल यू विल हैव टू टेक द लिमिट्स ऑफ y एज 0 to x. बट हियर या बट हियर दिस एक्स द स्मॉल एक्स, जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन कैपिटल एक्स इक्वल्स एक्स ले रहे हो, दैट एक्स इज न्यूमेरिक, इट इज नो लॉन्गर अ वेरिएबल. ठीक है ना, सिमिलर टू हाउ यू डू फॉर एफ ऑफ एक्स.
एक्स एन एक्स एक्स एन टू इन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन थ्री एक्स क्यूब, ऐसा सबका यही आ रहा। चलो बढ़िया, फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स एक्स कैलकुलेट कर लो। क्या करोगे वहां पे, अगेन रेंज ऑफ वाई जीरो टू एक्स, ठीक है, वाई इंटू क्या आएगा अपना, मैं टू बाय थ्री एक्स क्यूब को पूरा को बाहर ले लूं, है ना सर? अगर हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। हाँ हाँ विल ऑब्वियसली डू डैट। तो अपने क्या करेंगे, इसको एक्स को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, टू इन टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय थ्री एक्स हो जाएगा, है ना, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी राइट। तो अपने यहाँ पे टू बाय थ्री एक्स स्क्वायर को पूरा बाहर निकाल सकते हैं, है ना, y into x plus y बचेगा बस into dy, right? देख लो क्या आ रहा है फाइनल, 5x by 9, right? Exactly. ठीक है, is this clear to everyone कि ये कैसे हुआ, समझ में आया सबको? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालने में किसी को कोई भी दिक्कत बताओ, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां तक सबका हो गया ना, यहां तक सब लोग कर लो फिर बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, सो यू आर सेइंग दिस वन राइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स इक्वल्स एक्स, ऐसा कुछ। हाँ हाँ ओके, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू आप कहो, तो जैसे अगर एक्स का रेंज है से व्हाट, ठीक है, नहीं रेंज जीरो से लेके फाइव, ठीक है, तो आप उसको टू बाय फाइव एक्स ऑफ एफ एक्स करके बस कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू थिंक अबाउट इट, वही तो हुआ ना, keep you are finding out the expectation of x when x is greater than 2, to 2 so 5 le lo, hai na, samajh mein aaya, when it is the condition of the same variable you don't need to think about that conditional expectation of two variables, you can straight away do this, aur calculate bhi wahi hoga, wo wala formula bhi use karoge to wo wahi calculate karega, theek hai, clear hai ye sabko, chalo aage badhte hain, theek hai। Acha ab mujhe ek baat batao, yahan pe humne abhi baat ki एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स के बारे में अभी बात की सारी, है ना, वी हैव टोल्ड दैट इट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट, हमने अभी तक क्या अज्यूम किया, कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स, राइट, वी आर सेइंग दैट स्मॉल एक्स इज अ न्यूमेरिक वैल्यू अभी, राइट, इसलिए हमें वहां पे अभी तक सॉल्व करने में ईज आया, right, we could assume that it is a constant, we could take it out of integrals and all of that stuff, right, what if this x is not a numeric value, the value of x is still unknown, okay, so can I say that in that case this expectation of y given x is itself a random variable, hai na, kyunki uska value mujhe nahi pata and it has been expressed in terms of small x, batao ha ki na, batao kya nahi samajh mein aaya। हाँ अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, ये हमने देखा ना कि हमेशा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, देखो यहाँ पे भी एक्स के टर्म्स में आया था, वहां पे भी ऊपर एक्स के टर्म्स में आया था, क्योंकि अपने वाई को ऐसे भी हटा दे रहे हैं बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स,
टेल मी यस और नो, यहां तक क्लियर है दैट इट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट? क्यों ऐसा किया था हमने? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि कैपिटल एक्स इक्वल सम वैल्यू स्मॉल एक्स, राइट? दैट गेव अस द ईज़ टू डिफरेंशिएट एंड स्टफ, सॉरी इंटीग्रेट एंड स्टफ, राइट? तब अब अगर मैं कहूं कि अभी भी x अननोन है, दैट इज स्मॉल x इज वैल्यू इज अननोन, जब आप f of x डिफाइन करते हो एनीथिंग, राइट, लैम्डा e to the power minus लैम्डा x डिफाइन करते हो फॉर अ पॉइजन, यहां पे x की वैल्यू अननोन होती है, इसलिए तो आप कहते हो ना कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है? अब अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल इसी केस में जहां पे 5x / 9 है दैट x इज अननोन, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज आल्सो अ रैंडम वेरिएबल व्हिच हैज बीन एक्सप्रेस्ड in terms of x, right? It is a function of x at the end of the day, right? Because it is a expression in terms of x, ठीक है? तो जैसे अब अपने कोई भी random variable का expectation निकालते हैं, अपने क्या कोशिश करेंगे? इस expectation of y given x का भी expectation निकाले, exactly, and that is called the unconditional expectation of y, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, given x and y, ठीक है? आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ आपने एफ ऑफ वाई गिवन एक्स निकाल लिया, आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स भी निकाल लिया, ठीक है, बट यू आर स्टिल इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट? अब अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, विच इज अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन, आई डू नॉट वॉन्ट अ कंडीशन दैट एक्स इज समथिंग, ठीक है? अभी तक हमने जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकाला, देयर इज अ कंडीशन ना कि एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, whatever it was, यहाँ पे 5x 9 था, अगर x equals 1 हुआ तो ये 5 by 9 हो जाएगा, x equals 2 हुआ तो 10 by 9 हो जाएगा, right? So it is not unconditional, it is still dependent on the value of x, correct? अब अगर मुझे unconditional expectation of y निकालना है, अगर मुझे expectation of y के formula में x का कोई term नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? ये जो random variable बना expectation of y given x, उसका भी एक्सपेक्टेशन निकालूंगा, मतलब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक है? सो दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क, वी'ल ट्राई टू फाइंड आउट दिस व्हिच इज आई विल टेल यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है? तो जब कहेगा अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालो, ठीक है, अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है, ठीक है, जो कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से, ठीक है? वापस मैं बताता हूं, अभी तक हमने जो भी किया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, वो एक्स के फॉर्म में आ रहा था, सो इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स चेंजेस योर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स विल ऑल्सो चेंज, राइट? यस और नो? यस। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन, मुझे नहीं चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई में मुझे कोई और वेरिएबल दिखे, मैं कैसे निकालूंगा? उसका भी एक्सपेक्टेशन ले लूंगा, ठीक है? चलो इसका प्रूफ देखते हैं कि हाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ओके? वी विल लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइक चीज है, एक्सप्रेशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और ये दिखाएंगे कैसे, देखते हैं, देखो LHS से स्टार्ट करते हैं, expectation of y given x. अच्छा एक बात बताओ, this thing is in terms of x, है ना? तो मुझे x का random variable, x जो random variable का pattern है, उसके साथ इसको integrate करना पड़ेगा, बताओ हाँ कि ना? कोई भी चीज का expectation निकालते हो, क्या करते हो? जैसे आप expectation of y निकालते हो, you put y into something, d of something and range of something. What are these somethings? जो ये जिस चीज का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, जैसे y किस टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो रहा है, स्मॉल y के टर्म्स में, है ना? तो अपने रेंज ऑफ y लेते हैं, f ऑफ y लेते हैं, d ऑफ y लेते हैं, है ना? तो अपने ये किस टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, x के टर्म्स में, तो अपने हर जगह क्या लेंगे, रेंज ऑफ x, d ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, क्योंकि आप किस चीज का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x का, समझ गए? तो ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ओवर द रेंज ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इनटू fx dx, समझ गए? ये समझ में आया? बताओ इसमें कोई भी दिक्कत? देख लो अच्छे से,
जिस चीज का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो तो ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, फिर जिस वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट होता है उसका पीडीएफ और उसी का रेंज एंड डीएक्स। ठीक है, अब देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था? ओवर द रेंज ऑफ वाई किया था, किसको? वाई इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स को, बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस यस और नो, या एंड देयर वाज अ डी वाई हियर, राइट? क्या मैं लिख सकता हूँ इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स को, ये पूरा टर्म? यस, एंड आई हैव व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या बाहर है, ठीक है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अच्छा, व्हाट इज एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, है ना? एक डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एक न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स एंड वाई, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई एंड डी एक्स, ये क्या होता था? हमने सीखा था क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, कल हमने कैलकुलेट किया था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऐसे जॉइंट पीडीएफ में। क्यों? क्योंकि अगर ये याद नहीं आ रहा है तो ये क्या होता था, ये एक्स, अगर आप सोचो, अगर आप एक्स अंदर ले लो, ठीक है, और वाई बाहर ले लो, ठीक है, और मैं वाई को यहाँ रख रहा हूँ, ओके, तो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू वॉट, वाई एफ वाई डी वाई, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, कल हमने ये किया था ना, राइट? मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? कोई भी दिक्कत है बताओ, समझ में आया इसका प्रूफ? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है दो ही लाइन का प्रूफ, लेकिन कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता अपने को कि सोचना फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, राइट? कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे। ओके, ऑल गुड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, सॉरी, द क्वेश्चन इज दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय 3/5x इंटू एक्स प्लस वाई, वेयर रेंजेस ऑफ एक्स इज 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड रेंज ऑफ वाई इज 0 लेस देन वाई लेस देन 2। ओके, ठीक है, यू हैव बीन गिवन दैट, हमने इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट किया था पहले, है ना, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ कैलकुलेट किया था ना। दे आर सेइंग कैलकुलेट नाउ, फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। कैसे निकालोगे इसको? नहीं, एफ ओ वाई नहीं निकालना है मुझे, आई जस्ट इंटीग्रेट दिस थिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, या विथ द एफ एक्स थिंग, तो एफ ऑफ एक्स निकालना होगा मुझे, है ना? टेल मी गाइस, आई स्टिल हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स, राइट? यस और नो, फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, पिछले पार्ट में शायद हमने निकाला था एफ ऑफ एक्स, क्या निकाला था? राइट, दिस वाज अ वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, बस इसको और उसको यूज करके दोनों को अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकाल लो, ठीक है? यू विल इंटीग्रेट ओवर द रेंज ऑफ 0 to 1, ओवर द रेंज ऑफ एक्स 0 to 1, पहले पूरा आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स लिख दो, ठीक है, इंटू 6/5 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट? एक्स प्लस वन कैंसिल, 3 6 कैंसिल, 2 2/5 आएगा बाहर,
एक और एक्स आएगा ना, ठीक है। एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री एक्स क्यूब वन, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू टू प्लस टू, ये आएगा 3 6/5 आ रहा है, देख लो। अच्छा अगर यहाँ पे कहता हेंस नाउ, अगर आपको यहाँ पे कहता फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ ऑफ वाई निकालो, तो कैसे निकालते हैं? सॉरी, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालो। अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स नहीं दिया होता, पहले एफ ऑफ वाई निकालते फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल देते, है ना? तो वो एक तरीका था जो हमने कल पढ़ा था, और ये एक तरीका है जो आज हमने पढ़ा है। पहले वाला तरीका इजियर है, गिवन यू डोंट नो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स पता है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, वो वाला भी यूज कर सकते हो। बट क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि गिवन दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, देन ये वाला यूज करना, ठीक है? समझ गए ना? बिकॉज देन दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू यूज दिस पर्टिकुलर। अब टाइप कहाँ है? अब तो अच्छा, अब तो अगर एमसीक्यू में आ गया तब तो कुछ भी करो, है ना? मतलब एमसीक्यूज तो होते ही है ना CS1 के पेपर्स में, फिर थोड़े बहुत, तो अगर उसमें आ गया तब तो कुछ भी करो, ठीक है? अगर गिवन करके आया तो टाइप करना होगा, ठीक है? टाइपिंग के अलग वीडियोस है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो टाइप कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है? चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग खुद ट्राई करना 2 5 मिनट, ठीक है? देखो क्या क्वेश्चन है। द रैंडम वेरिएबल, लिखो साथ में, द रैंडम वेरिएबल कैपिटल के हैज एन एक्सपोनेंशियल लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के, ठीक है? सो आई हैव टू यूज माई नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट? एंड देन विल सॉल्व दिस आउट। आपको एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ आई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वी नो ऑलरेडी मीन ऑफ अ पॉइजन, मीन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो कैन यूज दैट नॉलेज टू कैलकुलेट दिस स्टफ आउट, ओके? एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए होता है? एक्सपेक्टेशन ही तो चाहिए होते हैं चीज़ों के, है ना? वो आपको दिया हुआ रहता है, राइट? सो ट्राई कैलकुलेटिंग दिस, टेल मी। लंबे लंबे इंटीग्रेशंस इंटीग्रल्स मत बनाना, सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या दिया हुआ है देखो, के एक रैंडम वेरिएबल है, राइट? के, हाँ, थोड़ा सा मतलब यू आर क्लोज बट यू आर नॉट देयर। तो के फॉलोज व्हाट? एक्सपोनेंशियल, राइट? सो के फॉलोज एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा, राइट? व्हाट एल्स? वी नो दैट एक्स गिवन एक्स इक्वल स्मॉल के फॉलोज पॉइजन के, बताओ हाँ कि ना, है ना? एक्स डज नॉट फॉलो पॉइजन के, आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो, है ना? क्योंकि कंडीशनल है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ पॉइजन के डिस्ट्रीब्यूशन। वाई कंडीशनल है? क्योंकि के खुद रैंडम वेरिएबल है ना? कंडीशनल पीडीएफ में, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में यही आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, जैसे एक्स दे देगा, ठीक है? उसका जो पैरामीटर है वो खुद एक रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है? अभी तक हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया था क्या देता था? एक्स फॉलोज पॉइजन टू,
है ना, ये कांस्टेंट होता था, है ना। अब क्या देगा कि एक्स फॉलोज पॉइजन समथिंग सम लेटर, से यहाँ पे क्या दिया वाई, यहाँ पे दिया के, यहाँ पे चलो वाई, ठीक है। एंड दिस वाई इज नॉट कॉन्स्टेंट, वाई इज नॉट इक्वल्स कॉन्स्टेंट। वाई क्या है, वाई खुद एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा कि वाई इस केस में क्या दिया कि वाई फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, है ना। तो यही होगा एक्सपोनेंशियल कंडीशनल वाले सम्स में, ठीक है। दैट विल बी गिवन अ रैंडम वेरिएबल विथ इट्स पैरामीटर्स, वन ऑफ इट्स पैरामीटर्स विल बी अ रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ, राइट, एंड यू विल बी गिवन द, यू विल बी आल्सो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट अदर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और उसी को यूज करके अपने को आगे की चीजें निकालनी है, राइट। तो कैसे करेंगे देखो, समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन कैपिटल के इक्वल्स स्मॉल के, क्या होगा बताओ। अच्छा, पॉइजन का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इफ एक्स फॉलोज पॉइजन म्यू देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू, राइट, हाँ कि ना बताओ, क्लियर है ना सबको ये तो, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, ये दिक्कत है इसमें, स्टार्ट्स हीटिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम, सॉरी। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स म्यू, राइट, सो दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन कैपिटल के इक्वल स्मॉल के इज इक्वल टू के, बताओ, है ना। तो अब अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, क्या मैं ऐसा करता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन कैपिटल के इक्वल्स के या एक्स गिवन के, या टेल मी यस ऑर नो, है ना। उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हो गया मेरा पार्ट वन, यही खत्म हो गया। पार्ट टू क्या आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन के है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन के, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन के हमने क्या निकाला, के, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के, नाउ व्हाट डज के फॉलो, के फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीन होता है, वन बाय पैरामीटर, तो वन बाय लैम्डा, ठीक है, सो वन बाय लैम्डा, बताओ सबको समझ में आया ये, आप कंफ्यूज लग रहे हो, बताओ क्या दिक्कत है, हाँ क्या कंफ्यूजन है बताइए। अच्छा, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। अच्छा, जब अपने कैपिटल के इक्वल स्मॉल के क्या करते हैं, तो अपने क्या बोलते हैं, गिवन कैपिटल के का वैल्यू और स्मॉल के, स्मॉल के मतलब कॉन्स्टेंट, है ना, गिवन कैपिटल के का वैल्यू इक्वल स्मॉल के मतलब कैपिटल के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर कैपिटल के कॉन्स्टेंट है तो क्या ये पॉइजन स्मॉल के हो गया, है ना, तो पॉइजन स्मॉल के का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, स्मॉल के, है ना, बट वैसा है नहीं ना, क्या है, एक्स गिवन कैपिटल के ही तो है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल के, है ना, यूजुअली इसको स्मॉल के से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स करते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, वही चीज है ये भी, बताओ समझ में आया, कि अगर आपको कैपिटल के की वैल्यू स्मॉल के दे दी गई है तो इसका मतलब वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया, समझो टू आ गया, थ्री आ गया, तो क्या होगा उसका एक्सपेक्टेशन, टू या थ्री हो जाएगा, मतलब के हो जाएगा, है ना, समझ गए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन के इक्वल्स के, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, उसका भी एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के इक्वल्स वन बाय लैम्डा हो जाएगा, समझ गए। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ, कोई भी दिक्कत है अभी तक बताइए। अच्छा, अभी तक हमने क्या निकाला, सॉरी, अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। अब अपने निकालेंगे एक्सपेक्टेशन, सॉरी, अनकंडीशनल वेरियंस, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है, एंड वेरियंस ऑफ वाई,
अनकंडीशनल यही होगा ना वेरियंस ऑफ वाई, और कंडीशनल वेरियंस क्या होगा, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स। तो अपने दोनों चीज पे काम करेंगे, विल फाइंड आउट कंडीशनल वेरियंस एज वेल एज अनकंडीशनल वेरियंस, और दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले अभी बस रिलेशन लिख दूंगा, ठीक है, अपने प्रूव आगे करेंगे उसको। ओके चलो, लेट्स जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशंस। सो आई एम फर्स्ट राइटिंग डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द अनकंडीशनल वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, सो आई एम राइटिंग व्हाट, वेरियंस ऑफ वाई, अनकंडीशनल मतलब जस्ट वेरियंस ऑफ वाई, नॉट गिवन एक्स, कुछ नहीं लिखना है। क्या होगा, पहले आप लाओगे एक एक्सपेक्टेशन का वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है, प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्या याद करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हमने ये तो सीखा है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स सीखा है ना, क्या नहीं सीखा है, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स अभी तक नहीं सीखा। तो वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स का भी लिख लो क्या है, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इज गिवन बाय व्हाट, थोड़ा सोचने की कोशिश करो क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरियंस ऑफ वाई क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, वही चीज मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, वाई स्क्वायर गिवन एक्स स्क्वायर नहीं होगा, है ना, वाई स्क्वायर गिवन एक्स, गिवन एक्स की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत इसमें बताओ। डेरिवेशन की डेराइव कैसे हुआ है, बट अभी के लिए सोचो कि ये स्टेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ, ऑल गुड, टेल मी गाइस, या चलो। तो हमने ऊपर एक टेबल बनाया था ना एक्स एंड वाई के लिए, उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स वन बनाया था, निकाला था। अब वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स वन निकालेंगे। ठीक है, व्हाट वाज द टेबल, लेट्स जस्ट कॉपी डाउन द टेबल अगेन। सो वाई वैल्यूज वर 10, 20 एंड 30, सो दीज वर वैल्यूज ऑफ वाई, ओके, एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वर 1 एंड 2। Probabilities were 0.2, 0.2, 0.1, and 0.2, 0.3, and 0. ठीक है, अपने को निकालना क्या है, वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स वन। तो हमने प्रॉबिलिटीज तीनों निकाल ली थी ना, क्या थे प्रॉबिलिटीज अपने, 0.4, 0.4, 0.2। ठीक है, सो प्रॉबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स 10 गिवन एक्स इक्वल्स वन क्या था, 0.4 आई गेस, या 0.2 डिवाइड बाई 0.5। Probability of y equals 20 given x equals 1 क्या था? Again 0.4. And probability of y equals 20 given x equals x equals 1 क्या था? 0.2. ठीक है, तो calculate करो, सबसे पहले क्या करोगे, variance के लिए expectation of y square given x equals 1 calculate करोगे, that will be what, 10 square into 0.4 प्लस 20 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 30 स्क्वायर इंटू 0.2। टेल मी व्हाट्स दिस कमिंग आउट टू बी, 10, 140 प्लस 400, 160
प्लस 900 इंटू 0.2 180 होगा क्या? 180 होगा, नहीं 180 नहीं होगा, कुछ तो गलती है। अच्छा क्या होगा ये बताओ, सॉरी 180 होगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 380। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स इक्वल्स वन शायद हमने पहले निकाल लिया था, क्या आया था? As quickly you can take it out as well. That's what 10 into 0.4 plus 20 into 0.4 plus 30 into 0.2, 18 आया था शायद, मुझे जो याद है। ठीक है, therefore वेरियंस ऑफ y गिवन x इक्वल्स वन क्या होगा? 380 माइनस 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर याद नहीं है मुझे। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? कोई भी दिक्कत बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। एक और क्वेश्चन कर लें, उसके बाद विल ब्रेक फॉर अ फ्यू मिनट्स। या चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस, इसके पहले वाला क्वेश्चन। सो दे आर सेइंग दैट के हैज एन एक्सपोनेंशियल लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो के इज अ रैंडम वेरिएबल विच दे आर सेइंग हैज व्हाट? एक्सपोनेंशियल लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, for a given value of k, again the random variable x has a poisson k, so the same thing, so x given capital k follows poisson k. ठीक है, यहां तक सही है? The question asks you first to calculate variance of x given k and in the next part variance of x. तो हमने जो आज नया अभी सीखा ना, उसके बेसिस पे अपने को ये कैलकुलेट करना। कर लो कैलकुलेट। सॉरी, फर्स्ट का क्या आएगा? सही एकदम। राइट, सो आंसर वन इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन के, राइट? सो आई एम बेसिकली फाइंडिंग द वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन के डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? वे के इज equals k, right? Which is what? Variance of Poisson mu क्या होता है? Mu, mean equals variance equals mu होता है. So this is equal to k. Yeah. Part 2 में क्या calculate कर रहे हो? Variance of x, which is क्या पढ़ा था? Expectation of variance, right? Plus variance of expectation. बताओ हाँ कि ना? दोनों में अगर अंदर क्या आ जाएगा? X given k, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस क्या निकाला अभी? के निकाला ना, वेरियंस भी पिछली बार के निकाला था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के प्लस वेरियंस ऑफ के, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ के? के फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, एक्सपेक्टेशन इज वन बाय लैम्डा और वेरियंस क्या है? वन बाय लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे मीन इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, सो वन बाय लैम्डा स्क्वायर which is equal to what? Lambda plus 1 divided by lambda square. ठीक है? We'll practice some more questions after the break. ठीक है? Let's break for how many minutes? 10 minutes. ठीक है? Let's get back at 6:05 and we'll continue. Okay? चलो.
People on the call, can you all hear me now? Hello? Yes, can you all hear me? Bataiye. Think they're not back yet. Nobody's. Yeah, cool. Can you all see my screen as well? Ki screen nahi dikh rahi batao. I think screen nahi dikh rahi hai na? No, sir. Screen nahi dikh rahi. Just a second, I'll bring up my screen. कूल चलो लेट्स कंटिन्यू इट वेयर वी लेफ्ट ऑफ. तो अपने हमने समझ लिया था कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं. अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन जब कहे उसका मतलब क्या होता है. कंडीशनल अनकंडीशनल वेरिएंसेस समझ लिए थे. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बताओ, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए. else we'll just start with questions and see की बैक क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर के. सो लेट्स स्टार्ट विद बैक क्वेश्चंस. एक मिनट रुको, लेट मी कम बैक इन अ मिनट. Let's continue. देखो एक question लिखो, pack questions हैं. Now so we are starting with the pack questions for what chapter 5, right? Question number 2 देखते हैं पहले. क्या कह रहा है? A random variable v follows a poison distribution with mean 5. ठीक है? So they are saying that v follows poison 5. Okay? What else? For a given value of v, the random variable of u is distributed as follows. क्या कह रहा है? U given capital V equals small v, ठीक है? U given capital V equals small v follows uniform 0, small v, ठीक है? ये आपको दे दिया. They are saying find the unconditional mean and variance of y. Unconditional का है तो मतलब क्या निकालना है? Expectation of y, मतलब expectation of u and variance of u. They are saying find the unconditional mean and variance of u, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एंड वेरियंस ऑफ यू, है ना? क्लियर है? बताओ, क्वेश्चन सही है ना? जब कहे अनकंडीशनल तो डायरेक्ट निकालना है. तो यहाँ पे कैसे करोगे देखो. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन वी क्या होगा बताओ? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन वी? करेक्ट, वी बाय टू, वी माइनस ए बाय टू होता था ना? यस ऑर नो? बताओ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो याद रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर आवर बेसिक्स वेल एंड गुड. ठीक है, तो क्या होगा? वी बाय टू, यस ऑर नो? टेल मी गाइस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ. राइट, सिमिलरली वेरियंस ऑफ यू को गिवन वी क्या होगा? सोचो अच्छे से, क्या लिखा हुआ रहता था? p माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये होता था ना? टेबल्स बुक खोलो सब लोग, ओपन योर टेबल्स बुक. टेबल्स बुक में देखो, जाओ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, क्या लिखा हुआ है? p माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, मतलब b स्क्वायर डिवाइड बाय 12 हुआ कि नहीं हुआ देखो, है ना? p माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12 है, तो a यहां पे 0 है, है ना? तो p माइनस ए v हुआ, तो v स्क्वायर बाय 12. ठीक है, मैं साथ में एक्सपेक्टेशन ऑफ वी और वेरिएंस ऑफ वी भी लिख लूंगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ वी क्या है? मुझे पता है ये सब यूज होने वाली है. एक्सपेक्टेशन ऑफ वी क्या है और वेरिएंस ऑफ वी? परफेक्ट. सो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ वी इज इक्वल्स 5. ठीक है, पहले मैं क्या निकालूंगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन वी, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वी बाय 2, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वी, which is equal to 5 by 2. बताओ हाँ कि ना? Tell me, does this make sense to everyone?
ठीक है। वेरियंस ऑफ यू कैसे निकालोगे, हमने सीखा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस राइट प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, बताओ हाँ कि ना, क्या यू गिवन वी, यू गिवन वी, ठीक है। दोनों चीज हमने ऊपर निकाल ली है, यू गिवन वी क्या है, वेरियंस ऑफ यू गिवन वी क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, प्लस वेरियंस ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन वी क्या है, वी बाय 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉट, 1/12 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू वेरियंस ऑफ वी, क्योंकि वेरियंस से बाहर आएगा तो स्क्वायर होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है क्या, नहीं किया है क्या, इसको और यूज, इसको यूज करके एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियंस ऑफ वी एंड क्या होता है, वेरियंस ऑफ वी इज गिवन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी होल स्क्वायर, यस, वेरियंस ऑफ वी क्या है, 5 equals expectation of v square minus 5 square which is 25, yeah, hence expectation of v square equals 30. Chalo, I will continue from here, 1/12 into 30 plus 1/4 into 5 variance of v, right, 3, 10/4 plus 5/4, 15/4, देख लो सेम आंसर आ रहा है ना, स्क्रॉल आप एक मिनट, यहाँ तक सही है, हाँ सर, एनी क्वेश्चन है सर, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट सा गुड, पीपल इन द कॉल एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स टेल मी, देख लो अच्छे से, सबका आंसर आ रहा है, 15/4 आ रहा था शायद, है ना, 15/4, कूल, इन द मीनवाइल राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, The random variable x follows gamma. X follows gamma with parameters alpha equals 3 and lambda equals 2. ठीक है, x follows gamma with alpha equals 3 and gamma equals 2. Sorry, lambda equals 2. Y is a related variable. Y is a related variable such that expectation of y given capital X equals small x. Such that expectation of y given capital X equals small x is given as 3x plus 1. ठीक है, क्या कहा मैंने अभी तक, चलो लिखते हैं, so this is back question number 3, that x follows gamma t comma 2, yeah, and expectation of y given capital X equals small x is given by 3x plus 1 and variance of capital Y given capital X equals small x is given by 2x square plus 5. क्या निकालने को कहेगा इसमें, expectation of Y and variance of Y, that is the unconditional expectations. हमने पहली बार क्या किया था, जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसका तो निकाल लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है बताओ, अल्फा बाय लैम्डा, देखो टेबल बुक देखो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ जस्ट गोइंग इनटू द टेबल बुक, टेबल्स बुक एंड लुकिंग एट द एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड दैट, राइट, सो अल्फा बाय लैम्डा होता है व्हिच इज व्हाट, 3/2 इज इक्वल्स 1.5, वेरियंस ऑफ एक्स क्या है, alpha by lambda square, so that is 3/4, which equals to 0.75, ठीक है, now, what is expectation of y, that's equal to
expectation of y given x, yeah, which is equal to expectation of 3x plus 1, which is equal to 3 into expectation of x plus 1. Batao haan ki na? Which is equal to 3 into 1.5 plus 1 is equals 5.5. Dekh lijiye. ये आ गया तो वेरिएंस भी निकाल लूं वापस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना होगा वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को यूज करके यहां तक ठीक है ना सबका आंसर आ रहा है देख लो 5.5 What's next? Variance of y, which is equal to what? Expectation of variance of. I'll start a new chapter section. Expectation of variance of y given capital X equals small x, right? Plus, or I'll not write that small x for a stuff. Let's write this. Plus, variance of expectation of y given x, sahi hai? Which is what? Expectation of what? 2x square plus 5 plus variance of what? What is expectation? 3x plus 1. Kya hua? Kya dikkat hai? Batao. Kya nahi aa raha hai? Bataiye. Sahi hai? Acha. एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं इसका क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 क्या आएगा 2 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर फिर प्लस 5 बाहर और ये वेरिएंस में क्या हो जाएगा तो वेरिएंस ऑफ 3x हुआ तो 9 इनटू वेरिएंस ऑफ x हो गया और 1 का क्या होगा गायब हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है ये सबको याद है अच्छा नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर वापस निकाल लो इट्स इक्वल्स टू व्हाट variance of x plus expectation of x whole square which is equal to what 3 by 4 plus 3 by 2 square right 3 by 4 plus 9 by 4 which is equal to 3 therefore continuing this here kya aega 6 plus 4 6 plus 5 plus 9 into 3 by 4. Tell me what is the final answer? 17.75. बढ़िया. समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन जा रहे हैं ठीक है पैटर्न यही रहेगा जो भी है बस क्वेश्चन का वर्डिंग इधर उधर कर देगा आपको समझना होगा कि वो करना क्या बोलना क्या चाहते हैं ठीक है तो इसलिए क्वेश्चंस रीड करके समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द सेम थिंग ठीक है कुछ डिफरेंट नहीं आएगा इससे बट उसको एक अलग भाषा में लिख देगा एग्जाम में ठीक है और वो समझने में दिक्कत हो जाते हैं अपने को है ना देख लो ये सॉल्व कर लो पूरा सेम आंसर आ रहा है वेल एंड गुड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सपोज दैट x इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल Suppose that, pura likhte hain in words, suppose that x is a standard normal random variable and the conditional distribution of a Poisson random variable y given the value of capital X equals small x has expectation x square plus 1
determine expectation of y and variance of y. स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब x follows what? नॉर्मल 0,1 है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x is, बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है? 0. वेरियंस ऑफ x? 1. ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया बताओ? Tell me what other information has been given to you. Look at the question and tell me. Expectation of y given x equal ठीक है, and they've also told one more thing कि random variable y is poison, है ना? इसका मतलब y given x equals small x follows poison, उसका ये दिया parameter x square plus 1 दिया है, exactly. क्यों? क्योंकि poison का mean is the parameter. Yes or no? बताओ हाँ कि ना, है ना? Why will this help? मैंने इसको as a poison क्यों लिखा? Why will this help? मैं केवल expectation of y given x equals x लिखे आगे बढ़ सकता था. मैंने वो क्यों लिखा? क्योंकि variance भी निकालना था, उसके लिए वो information चाहिए थी कि वो poison follow करता है ना. Variance of y given x is x square plus 1, है ना? चलो, now this is tricky. Expectation of y तो easy है, चलो. Expectation of y is what? Expectation of y given x, which is equal to expectation of x square. Plus 1, which is equal to variance of x plus expectation of x whole square, right? So 1 plus 0 square plus 1 equals 2. ये आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. दिक्कत आएगा देखो variance of y सॉल्व करने में. Expectation of variance plus variance of expectation of y given x. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस क्या है? x square plus 1, right? Plus variance of expectation, which is what? Again x square plus 1, right? Which is what? Expectation of x square, जो आपने क्या निकाला था ऊपर? 1, right? This is equals 2. Plus variance of x square. Variance of x square कैसे निकालोगे सोचो? How will you find out variance of x square? यहाँ तक आ जाओ सब, फिर अपने बात करेंगे कि variance of x square कैसे निकालते हैं. अच्छा, what is variance of x? Expectation of x square. है ना? हाँ कि ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Expectation of x square का square माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? बताओ आखिर ना. तो दिस बॉइल्स डाउन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी फोर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या निकाला ऊपर? 1, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू डी पावर फोर कहाँ से निकालोगे? जाओ टेबल्स बुक में, कहीं है क्या फोर्थ मोमेंट का आपको फॉर्मूला दे दें? एक्स क्या फॉलो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल में जाओ, आरएस मोमेंट दिया हो, आरएस मोमेंट दिया हो, तो अपने फोर्थ मोमेंट निकाल लो. Find it at page number 10, है ना?
क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 कैसे आएगा फिर 1/2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 इनटू गामा r प्लस 1 तो कहना है राइट r फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल सॉरी इसको कैसे लाऊं मैं आई हैव टू प्रेजेंट दिस स्क्रीन आपके पास टेबल्स है नहीं है ठीक है कोई नहीं तो लेट्स मी राइट दिस डाउन हियर एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r is 1 by 2 to the power r plus 2 r by 2 into gamma of 1 plus r divided by gamma of 1 plus r by 2 ye apna or r equals 2 4 6 and on only for even moments क्या चीज थ्री है हो सकता है हाँ थ्री हो तो 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 3 राइट 3 है ठीक है तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2 देखो वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो गया 2 + 2 = 4 बताओ क्लियर है तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर एनीथिंग कैलकुलेट करना हो फॉर अ रैंडम वेरिएबल दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन डू इट यू हैव द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन पेज नंबर 10 अच्छा ये तो चलो प्रैक्टिस हुआ है तो आता है ऐसे कुछ और भी आ गया ठीक है ऑलवेज ट्राई टू थिंक इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स ठीक है ना वेरिएंस ऑफ एक्स क्यूब आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स टू द पावर 4 आ गया ऑलवेज ट्राई टू थिंक इट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स चांसेस आर 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट ठीक है ये मत सोचना कि मैंने ये पढ़ा था हो सकता है मैं भूल गया देयर इज अ ग्रेटर टेंडेंसी कि आप वो सोचने लगो अगर वो सोचने लगोगे तो बस याद ही करते रह जाओगे याद नहीं आएगा है ना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी सोचना है एक बट देयर इज अ स्टॉप लॉस टू इट राइट 10 20 15 30 सेकंड सोचोगे हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ Then start applying first principles now. ठीक है? First principles से शुरू करो. Chances are you will get it right. ठीक है? Cool. What else? Should we do another question? चलो, let's do one more question. Last question. उसके बाद then we'll start the next topic. Question number 6. There are two discrete random variables x and y. ठीक है? उसके बाद I'm drawing the probability density tables. क्या होगा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन बाय इक्वल्स टू चारों प्रॉबिलिटीज कहेंगी टू की तो जीरो है अच्छा टू की जीरो नहीं है सॉरी आई एम लुकिंग एट वाई इक्वल्स टू टू वन की जीरो है ना 0.3 डिवाइड बाय 0.6 0.5 राइट
टू के एसोसिएट प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.1 डिवाइड बाय 0.6, आई जस्ट हैव टू राइट 1/6 हियर, डोंट वांट टू गेट इन डेसिमल्स राइट नाउ, एंड 0.2 डिवाइड बाय 0.6, दैट विल गिव मी 1/3, राइट, कैलकुलेट दिस आउट. Final answer. पहले वाले में कुछ दिक्कत लग रही है, पता नहीं क्यों. पॉइंट 8.24 नहीं होना चाहिए था. क्या होगा देखो, बट इफ द एलसीएम 6 12 प्लस 2 3, आप लोग तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे करके बताओ क्या आ रहा है इसका फाइनल. 0.82 आ रहा है. इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? फ्रैक्शन ज्यादा था ना, आधा था, आता है ना, था 0.82 पे. यहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ है, हाँ वो है, देखो व्हिच इज स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रैक्शन, क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली दैट. क्लोज टू 0.81, राइट. Again, in multiple choice questions, it might not very well matter. You might choose the right answer, come home, right? FAA में आपको उतना matter नहीं करेगा. But yeah, if the options are very close, then it's a problem, yeah. ये 17/6 आ रहे, तो -17/6 होल स्क्वायर एक टर्म है, -17/6 का होल स्क्वायर इज वन टर्म, और लेफ्ट वाला इज अ बिग नंबर. देख लो क्या आंसर आ रहा है. सॉरी ये आ गया ना, बस यही करना था और कुछ नहीं करना. अच्छा अगला अपने शुरू करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोल के चैप्टर है, ठीक है? यहाँ तक हो गया, आ रहा है ना सबका आंसर? चलो चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? सेंट्रल लिमिट थ्योरम, राइट. दिस इज चैप्टर 6. अच्छा नोट्स अपने बाद में लिखेंगे, आई विल ट्राई टू गिव यू एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर पहले, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि दिस इज अ वेरी लाइक हाउ शुड आई पुट इट, चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू व्हाई वी एग्जिस्ट एज एक्चुअरियल्स. ओके, अच्छा आज कोई भी कंपनी है, ठीक है, इट विल ट्राई टू सेल मोर पॉलिसीज, राइट, बाय गुड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क को अवॉइड करने के लिए, सो दैट जितना रिस्क मतलब डाइवर्सिफाई हो पाए, जितना डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे मैं सेल कर पाऊँ उतना बेटर, राइट. सो आई ट्राई टू सेल मोर एंड मोर पॉलिसीज
right? N, right? I'll try to increase the N, which is the number of policies sold by us. Increase my profits. As simple as that, ma'am. I want to make more money. Given I am selling a more profitable policy, I should be earning more money by selling one more policy, right? So that's why I'll be selling more policies. I would want to sell more policies. What else? Have you heard about the law of large numbers? Kya hota hai law of large numbers? Itna bada sample, jitne zyada log ya sample involved ho jayega, utna easy ho jayega probability. Utna sa easy ho jayega predict karna. Hai na? What predict karna? Uska behavior. For example, when I'm talking about insurance, right? As an insurance company, what would I want to predict? भाई मैं अगले एक साल में अगले दस साल में अगले सौ साल में कितना टोटल पेमेंट करूंगा, है ना, कितना टोटल पेमेंट करूंगा वो किस पे डिपेंड करेगा. अगर लाइफ इंश्योरेंस है क्लेम अमाउंट यूजुअली फिक्स रहता है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह एंडाउमेंट रही तो फिक्स रहता है आपका पे आउट कि आपने एक करोड़ की टर्म पॉलिसी लिया, कितने भी लाख की टर्म पॉलिसी है, राइट. बट सो वहां पे यू विल ट्राई टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेथ्स एंड फॉर एवरी डेथ यू नो द क्लेम अमाउंट. अगर जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्लेम्स ही ज्यादा हो सकते हैं. आपने गाड़ी गाड़ी आज ठोकी, परसों भी ठोक सकते हो, दोनों बार क्लेम मिलेगा, है ना. तो नंबर ऑफ क्लेम्स भी एस्टिमेट करोगे, द क्लेम अमाउंट ऑन एवरी क्लेम भी एस्टिमेट करोगे, राइट. सो यू आर एस्टिमेटिंग टू वेरिएबल्स देयर. यहां तक क्लियर है? लाइफ इंश्योरेंस में एक ही क्लेम क्यों आ सकता है एक पॉलिसी पे? एक बार मर गया वापस कोई मर सकता है नहीं ना, तो एक ही क्लेम आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे. और मोटर इंश्योरेंस पे दैट्स व्हाई मल्टीपल क्लेम्स आर पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, गिवन पॉलिसी एक्सक्लूजन्स ना हो कोई. या तो एज एन इंश्योरेंस कंपनी इट इज बट इम्पेरेटिव फॉर मी टू प्रिडिक्ट दीज टू थिंग्स, नंबर ऑफ क्लेम्स एंड द क्लेम अमाउंट, such that I finally land up to calculating the aggregate mortality, aggregate claim payments that I make over the next 10 years, right? So, जैसा कि हमने कहा अभी, जितना ज़्यादा बड़ा sample होगा, उतना मेरे लिए estimate करना, predict करना easy होगा, ठीक है? अगर मैंने past में बहुत सारी policies बेची होंगी, तो मेरे लिए उसको predict, उसका data होगा, है ना? I would have data of say X number of policies. उस एक्स नंबर ऑफ पॉलिसीज के डेटा को यूज करके मैं फ्यूचर का क्लेम पैटर्न प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, बताओ हाँ या ना, है ना. तो इस में हम यही सीखेंगे कि जैसे जैसे यू हैव अ ग्रेटर सैंपल साइज एज योर एन टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, एज योर एन टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट हैपेंस टू थिंग्स लाइक एक्स बार. एक्स बार क्या है? सैंपल मीन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन डिवाइडेड बाय small n, right? I'll talk about what happens to summation xi, that is sum of all claims, hai na. Agar mera x is a random variable for claim, what will happen to summation xi, what will happen to x bar. Apne ko ye pata hai predict karna kyun important hai, why should an insurance company bother about predicting claims? Jo aayega de dega, kyun mujhe predict karna zaruri hai? प्रॉफिटेबल भी रहना है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उससे प्रीमियम लिया 100 रुपया, ठीक है, हर साल 100 ले रहा हूँ और टर्म पॉलिसी बेची 1 करोड़ की, कितना ही साल जी ले वो, मैं रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा, है ना. यस ऑर नो, राइट. एंड देयर इज अ एग्रीगेशन ऑफ दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ, सो इट इज नॉट पॉसिबल. आई शुड मेक श्योर दैट माय प्रीमियम्स आर इनफ फॉर व्हाटएवर क्लेम्स आई एम अबाउट टू पे, right, and it also covering some profit margins, yeah. What else? Policy agar bik gayi, agar main premium change nahi kar sakta, tab kyon zaruri hai mujhe predict karna? Agar policy bik gayi hai, main premium change nahi kar sakta. Lump sum, batao aur thoda clear ho. Sorry, yes, there's something called keeping reserves. ठीक है, सो एन इंश्योरेंस कंपनी इवन आफ्टर सेलिंग द पॉलिसी, इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है, आज आपने पॉलिसी बेचा तो प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ, है ना, ये और कॉस्ट मतलब जितने भी साल का टर्म है चलेगा, अगर 10 साल का टर्म इंश्योरेंस है और 10 साल चलेगा, 20 साल के तो 20 साल चलेगा, होल ऑफ लाइफ है तो जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा तब तक चलेगा, है ना, तो आज खत्म नहीं हुआ है. सो यू हैव टू प्रिडिक्ट क्लेम्स सो दैट यू कैन कीप सफिशियंट मनी असाइड. एंड इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का. अगर मैं आज एन इंश्योरेंस कंपनी बोल दूं आज मैं आपका क्लेम नहीं दूंगा, तो अ बिग पिलर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री विल कोलैप्स,
right? Which will have a ripple effect on the entire economy. So I can't let that happen. Hai na? So there are strict rules for these insurance companies to keep sufficient reserves so as to meet future policy holder claims. समझ में आया? इसमें कोई भी दिक्कत बताऊं? ठीक है, तो मेरे लिए prediction important है. और prediction के लिए क्या important है कि जितनी ज्यादा policies, उतना ज्यादा मेरे पास data हो prediction करने के लिए उतना better है. ठीक है, तो इस chapter में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आपके पास ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स होंगे as n tends to infinity, what happens to things like x bar, summation xi, stuff like that. ठीक है, so just give me a moment, I'll pull up the notes and then you'll start writing. अच्छा, MGF जेनरेटिंग फंक्शन हम सबने कर लिए थे ना, है ना? एक काम करते हैं, जेनरेटिंग PLT का थ्योरम लिखने के पहले विल डू अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन MGF. ठीक है, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स इन अ वे, अपने देखेंगे कैसे रिलेटेड है. ओके चलो, तो अगर क्वेश्चन है, देखो y इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू, ओके, वेयर एक्स वन फॉलोज पॉइजन लैम्डा वन एंड एक्स टू फॉलोज पॉइजन lambda 2 using MGF, show that y's distribution is this, whatever. ठीक है, अपने को show की जरूरत नहीं, अपने खुद MGF से निकालेंगे. ठीक है, MGF क्या होता था, अगर मैं m y t लिखूं तो क्या होगा, expectation of e to the power t by, yeah. चलो यहां से कैरी इट ऑन फ्रॉम हियर, व्हाट विल दिस बॉइल डाउन टू, ई टू डी पावर टी इनटू एक्स वन प्लस एक्स टू, यस, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू डी पावर टी एक्स वन इनटू ई टू डी पावर टी एक्स टू, यस और नो, राइट, which I can write down as, because both are say independent, क्या मैं कह सकता हूँ कि expectation of e to the power tx1 into expectation of e to the power tx2, right, which is equals to what, mx1 t into mx2 t, right, tables देखो, पॉइजन का एमजीएफ का फॉर्म दिया हुआ है क्या, राइट, सो आई कैन राइट दिस डाउन एज व्हाट, ई टू डी पावर लैम्डा वन, क्योंकि पहले वाले का लैम्डा वन है ना, राइट, इनटू ई टू डी पावर माइनस ई टू डी पावर टी माइनस वन इन, सॉरी गाइस, लिखो फिर दूसरा क्या होगा, ई टू डी पावर लैम्डा टू इनटू ई टू डी पावर टी माइनस वन, राइट. What next? I can take e to the power t minus 1 common in the pulse. देखो यहाँ पे क्या होगा? Into e to the power lambda 2 into e to the power t minus 1, right? I can take e to the power t minus 1 common, which will give me what? Lambda 1 plus lambda 2 into e to the power t minus 1. किस फॉर्म का है ये एमजीएफ, पॉइजन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, हेंस वाई फॉलोज पॉइजन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ. ठीक है,
कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही एमजीएफ होगा, अगर एमजीएफ हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा तो एमजीएफ ही होगा। ये पढ़ा है आप लोगों ने यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ? नहीं पढ़ा है तो अच्छा लिखो, नोट लिखो, अगर फिर सर मत हिलाया करो अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है? कुछ नया सुन रहे हो तो बोलो कि नहीं सुना है ये, ओके? तो क्या कहोगे? बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ, जिसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स समझ में आया क्या लिखा है कि अगर MGF है, ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक यूनिक फॉर्म ऑफ MGF है, ठीक है? अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ रहे हो कि MGF का फॉर्म ये है तो कुछ और उसका MGF नहीं हो सकता, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, अगर एक MGF है तो उसका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने कहेंगे कि बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ वी कैन से दैट बाय फॉलोस पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है? इज इट क्लियर? देखो अब इसका ना इस इक्वेशन का थोड़ा एक्सटेंशन है, वेयर वाई इक्वल्स एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट 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 प्लस एक्स एन, ठीक है? एंड व्हाट आई एम सेइंग दैट एक्स आई फॉलोस पॉइसन लैम्डा आई, तो x1 follows poison lambda 1, x2 follows poison lambda 2 and all not, ठीक है? देखो सेम चीज होगा, वापस अपने को क्या निकालना है, y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वापस यहाँ पे भी, ठीक है? तो m by t जब निकालोगे क्या होगा, expectation of e to the power t y, right? Which is equal to what? Expectation of e to the power t x1 plus x2 dot 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 xn, right? I'll use the same logic, yeah? Which is equal to what? Expectation of e to the power tx1 into expectation of e to the power tx2. ऐसे क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि x1, x2, xn independent है ना? ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है? Which is equals to what? mx1 of t into mx2 of t dot 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 mxn of t, right? वापस मैं अब फॉर्म ले आऊंगा, e to the power lambda 1 into e to the power t minus 1 into e to the power lambda 2 into e to the power t minus 1 into dot 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 e to the power lambda n into e to the power t minus 1. मैं e to the power t minus 1 common लूंगा exponential में, और क्या बचेगा, lambda 1 plus lambda 2 dot 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 lambda n. Hence by uniqueness property sorry uniqueness property of MGF, y follows poison of what? Lambda summation i going from 1 to n, ठीक है? देख लो कोई भी दिक्कत इसमें? सॉरी क्या कह रहे हो आप? हाँ summation lambda i going from 1 to n, ठीक है? lambda 1 plus lambda 2. अच्छा अगर lambda 1 equals lambda 2 equals lambda 3 equals dot 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 lambda n दे दिया, then what will y follow? Correct? Lambda plus lambda plus lambda n times sum up हो जाएगा, तो मैं poison n lambda लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ.
ऑल गुड गाइस, कोई भी दिक्कत बताइए। चलो नाउ विल स्टेट डाउन द एक्चुअल सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है? दिस विल बिकम आवर बेस एंड यू विल सी व्हाई, ठीक है? नाउ आई एम सेइंग दैट इफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा डॉट 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 एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन mu and variance sigma square. अच्छा यहां तक केवल लिखो, समझेंगे इसका मतलब क्या। यहां तक सही है? इसका मतलब क्या है कि expectation of xi is equals to mu, ठीक है, and variance of xi is equals to sigma square, है ना, and All xi's are independent, ठीक है? ये तीन चीज अभी तक कही है ना मैंने बस, right? That expectation of xi equals mu, variance of xi equals sigma square, and all xi's are independent. Have I told कि अभी तक xi क्या follow करता है? Distribution नहीं कहा है, मैंने बस expectation and variance लिखा है और कहा है कि वो आपस में independent है, ठीक है? Then, now this is the interesting part. Then, summation of xi where I runs from 1 to n, okay, approximately follows ka dekho aisa symbol hota hai, follows mein do dots, theek hai, kya normal n mu comma n sigma square likho sab log, then summation xi approximately follows n mu normal of n mu comma n sigma square. यहाँ पे क्या मैंने कहा कि क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, बट स्टिल इट इज फॉलोइंग व्हाट नॉर्मल, राइट? ये समझ में आया? बताओ हाँ कि ना। अच्छा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ summation of xi, ठीक है? It is expectation of x1 plus x2 dot 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 xn, right? Which is equals to what? Expectation of x1 plus expectation of x2, that is mu n times, which is n mu. देखो आ गया ये यहाँ पे, ठीक है? Variance of summation of xi क्या होगा? Same thing, variance of x1 plus x2 dot 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 xn, right? Now everyone is independent, each of the pairs are independent of each other, so covariance wala koi term nahi aayega, so variance of x1 plus variance of x2 likh sakte hain, sigma square kitni bar aayega, n times aayega, so this becomes n sigma square, theek hai, does this make sense? Batao. Similarly now can you say what will be the expectation of x bar? What is x bar? It is expectation of summation xi by n, right? N is a constant, 1 by n into summation of xi, which is equal to what? N mu divided by n equals mu. What is the variance of x bar? Variance of, again, summation xi divided by n. N bahar aayega to kya ho jayega? 1 by n square ho jayega. 1 by n square into variance of summation of xi, which is equal to what? Sigma square by n. ये समझ में आया? देख लो. अच्छा अगर ये समझ में आया तो अगर summation xi n mu comma n sigma square follow कर रहा था तो x bar क्या follow करेगा बताओ? X will approximately follow mu comma sigma square by n.
है ना, एक्सपेक्टेशन और वेरियंस निकल गए, ठीक है। इन दीज केसेस हमेशा याद रखना एंड शुड बी लार्ज, ठीक है। जब मैं ये सब चीज लिख रहा हूं, इट इज सेड दैट एन इज लार्ज, एन का लार्ज का मतलब क्या है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। तो आप कहीं कहीं देखोगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के फॉर्म में, मतलब ऑफिशियल लाइक यू कैन लुक एट एनीवेयर, कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम में समेशन एक्स आई और एक्स बार दोनों के बेसिस पे कुछ निकालने को कह सकता है। All good, any questions? Cool. यहाँ तक सबको समझ में आया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का पर्पस सबको समझ में आया। अब समझ में आ रहा है कि अगर x1, x2, x3 अपने क्लेम साइजेस होते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं समेशन एक्स आई करके सम ऑफ ऑल क्लेम्स निकाल सकता ना, निकाल सकता हूँ ना, बताओ। समेशन एक्स आई करके आई बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ ऑल क्लेम्स दैट हैज कम ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, है ना, फॉर अ गिवन एन। मैं समेशन ऑफ एक्स आई निकाल सकता हूँ। अगर मुझे x बार निकालना है तो मैं क्लेम लाइक क्लेम साइज पर क्लेम निकाल सकता हूँ, राइट, यस। अच्छा एक बात बताओ, समेशन ऑफ xi का क्या यूज, अगर x बार आई थिंक इज अ मोर क्रेडिबल थिंग, राइट, व्हाट इज समेशन xi मोर यूजफुल फॉर इन द फील्ड ऑफ, थिंक अबाउट क्लेम्स, ठीक है, थिंक अबाउट अ कंपनी हैज सोल्ड अ लॉट ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट, राइट। तो अगर मेरे पास x बार है तो मैं उसको किसी भी like policy में multiply, किसी भी number of policies में multiply करके निकाल सकता हूँ। तो summation xi का क्या use? Think about the static portfolio of policies, ठीक है। एक हमने portfolio of policy as an insurance company, मैंने for example कहीं से buy out कर लिया, ठीक है, किसी और insurance company के merger में, मुझे वहाँ पे complex modeling techniques employ नहीं करनी है। Static portfolio, it is not open for new business, मतलब वैसा प्रोडक्ट मैं और नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो मैं उस लिमिटेड डेटा के मदद से जो भी कर सकता हूँ कर लूंगा, मुझे इट इज नॉट एन इनफोर्स बिजनेस, इट्स नॉट ओपन टू न्यू बिजनेस, इट्स गोइंग टूवर्ड्स क्लोजर, राइट। तो मैं बस समेशन एक्साई करके सिंपलिंग मॉडलिंग टेक्निक यूज करके उसका एस्टिमेशन करता जाऊंगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन बी डन एवरीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्पस यू आर मॉडलिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फॉर, उसके बेसिस पे अपने डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आया ये सबको, बताओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, इट इज अज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ क्लेम्स arriving at an insurance company per working day has a mean of 40 arriving at an insurance company and SD of 12, okay. A survey is to be conducted over 50 working days. Calculate the probability that the sample mean number of claims arriving
कोशिश कर सकते हैं खुद, पहले ये सोच लो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है? लास्ट स्टेटमेंट में फोकस करके ये निकाल, सोच लो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन इट विल गेट इजियर। So basically what you have to calculate here is probability of x bar is less than 35, right? क्या दिया गया आपको, ये देख लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई दिया हुआ है इक्वल्स न्यू इक्वल्स 40, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई दिया हुआ है, सो एस सी ऑफ एक्स आई दिया हुआ है इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल्स 12, एंड एक और चीज दिया गया, क्या दिया गया एक और, राइट? सो इट गिव्स देम स्मॉल एन इज इक्वल्स 50, ठीक है? तो बताओ व्हाट विल एक्स बार अप्रोक्सीमेट, अपने को क्या निकालना है एक्स बार का, राइट? सो व्हाट विल एक्स बार अप्रोक्सीमेटली फॉलो नॉर्मल ऑफ न्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन, दैट इज नॉर्मल ऑफ 40 कॉमा 12 स्क्वायर बाय 50, 144 बाय 50, 288 बाय 100, 2.88, या फिर आप ऐसे छोड़ सकते हो जो भी। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन सीखा, दैट इफ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा फॉलोज नॉर्मल कॉमा 0.1, ये सीखा है ना, इसको अप्लाई कर लेना है। देयरफॉर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पावर लेस देन 35 निकालना है, मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, जेड कैसे लाऊंगा, एक्स पावर माइनस 40 है ना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 50। आरएचएस में भी सेम चीज करेंगे, 35 माइनस 40 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 50। Now this thing follows normal 0.1, so I'll just write it as that. Less than निकालो, क्या value आ रही है? -5.2.88. Sir, can you explain this part once again? Sure. Sorry. -2.946. Sure. अनिल जी देखो, कौन सा वाला part? यहाँ तक समझ में आया कि अपने को probability of x bar less than 35 निकालना था, बताओ? हाँ सर, है ना? अच्छा, ये समझ में आया कि अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, एस डी ऑफ एक्स आई और एन इक्वल 50 दिया गया है। हाँ सर, है ना? अब हमने सेंट अपने यहाँ लिखेंगे कि यूजिंग सीएलटी वी नो दैट एक्स बार फॉलोस नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय, ये भी समझ में आया? हाँ सर, हमने केवल वैल्यूज रिप्लेस कर दी, ठीक है? अब अच्छा, हमने अब आप टेबल्स बुक अगर देखोगे टुवर्ड्स दी एंड टेबल्स बुक में जेड का सेट मतलब नॉर्मल 0.1 के आपको परसेंटाइल देन वैल्यूज दिए गए हैं, है ना? सर कौन से पेज में? बताता हूँ मैं एक सेकंड को, यू गेट इट ऑन पेज नंबर 160 ऑनवर्ड्स। देखो प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखा है। हाँ सर, है ना, लिखा है ना? हाँ हाँ, खोलो खोलो। हाँ सर, ठीक है, तो आपको क्या दिया गया, हर पार्ट के लिए सीडीएफ क्या है, है ना, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज दी गई है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है ना। तो अपने को कभी भी किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर अस गिवन म्यू और सिग्मा स्क्वायर, अगर अपने को कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है, अपने क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इफ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा फॉलोज नॉर्मल 0.1, ठीक है? सो दैट इज द वे इन विच यू कैन कन्वर्ट, ठीक है, एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डज दैट मेक सेंस, बताओ यस और नो?
Yeah. So then I have probability of z less than minus 2.946. Now, do I have it for negative numbers? No. So how will I convert it into a positive number? देखो step by step. हाँ मतलब आप कर सकते हो ठीक है. One minus probability of z less than 2.946 हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि less than minus is equal to greater than positive. नहीं देखो यहाँ पे एक और step लिख देता हूँ. Probability of z greater than 2.946 होगा क्योंकि symmetrical होता है. Less than minus is equal to greater than positive, है ना? Think about a curve. देखो ऐसा curve होता है ना? अगर less than minus है, तो greater than positive होगा उसी point का, है ना? ठीक है? फिर one minus less than. एक और दिक्कत है कि less than probabilities है, greater than probabilities नहीं है, right? अब देखो interpolation करना पड़ सकता है क्योंकि two decimal places तक है वहाँ पे. 2.94 के लिए मिल जाएगा, 2.95 के लिए मिल जाएगा. लीनियर इंटरपोलेशन करोगे अपने को अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. 2.94 के लिए क्या देखते हैं, राइट? तो 2.94 के लिए जो सीडीएफ है दैट इज 0.99836, राइट? एंड 2.95 के लिए क्या है? 841. 5 को 6 में डिवाइड करोगे 10 में 0.05 आना चाहिए. 3 क्या आगे आएगा? 839 आ रहा होगा, है ना? देखो ये 1-0.99839 आ रहा होगा. कैलकुलेट लीनियर इंटरपोलेशन आता है सबको? करो. सॉरी ऐसा तो आ ही नहीं सकता ना. देखो सेंस चेक कर लेना, हमेशा इन दोनों के बीच में आना चाहिए, है ना? इन दोनों के बीच में होना चाहिए, राइट? इन दोनों के रेंज के बाहर है तो कुछ दिक्कत है. आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? 0.99841 माइनस 0.99836, राइट? यू पुट इट इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है माइनस द लोअर रेंज, राइट? सॉरी, अच्छा ब्रैकेट क्लोज करना होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही 2.95 माइनस 2.94, राइट? एंड ऊपर अपने को किस पॉइंट पे निकालना है? ए माइनस लोअर अगेन. ठीक है, ऐसे करोगे और ए के लिए सॉल्व करोगे, सॉरी हाँ ए के लिए सॉल्व करोगे तो अपने को मिल जाएगा. ठीक है, सॉरी एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा. यहाँ पे दिस विल बिकम व्हाट, 2.946 माइनस 2.94. ठीक है, यू सॉल्व फॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यू विल गेट दिस एंड द फाइनल वैल्यू इज 0.70161, है ना? बताओ कोई भी दिक्कत यहाँ से? कॉल गुड, यस. चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ व्हीकल फॉलोइंग एन एक्सीडेंट हैज mean $6,200 and standard deviation $650. Okay, a study was carried out and 65 vehicles. Calculate the probability
टोटल ट्रिप है. सो दीज आर ऑल मैथ क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मैथ में चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है, ठीक है. सर ये सारे क्वेश्चंस डैशबोर्ड पे ही हैं. डैशबोर्ड भी है, ये आपका जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना उसमें जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन याद है, ये वो सारे क्वेश्चंस है. दिस इज व्हाट, दिस इज पेज नंबर 4 का क्वेश्चन, ठीक है. क्या कैलकुलेट करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट व्हाट, पहले ये डिसाइड कर लो क्या कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट कैलकुलेट करना है. टेल मी व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट. समेशन एक्स आई एक्स बार टोटल रिपेयर कॉस्ट है ना. व्हेन आई टॉक अबाउट टोटल रिपेयर कॉस्ट व्हाट डू आई मीन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री गोइंग अप टिल एक्स एन, मतलब समेशन एक्स आई. हाँ कि ना बताओ. यस गाइस एनी क्वेश्चन है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन एक्स आई इज ग्रेटर देन 400,000. Now, I have been given mu is what? 6,200. Sigma is 650. N is what? 65. Hence, summation xi approximately follows normal what? Nu, right? Which is what? 403, 15 bar 0 or kya? Theek hai? 403 15 बार 0 कॉमा n इनटू सिग्मा स्क्वायर वापस है ना. अच्छा 65 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर रूट लो. 5240 स्क्वायर लिख लो एक बार, या फिर उसको जो भी आपका बड़ा नंबर है उसको एक स्टोर कर दो एक वेरिएबल में, बट इट विल बी समथिंग एज 5240 स्क्वायर करके, ठीक है. नाउ व्हाट्स यू नीड टू कैलकुलेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू समेशन एक्स आई इज ग्रेटर देन 400,000 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड डायरेक्टली राइट जेड, ओके, ठीक है ना. डायरेक्टली मैं जेड लिख लूं और यहाँ पे क्या आएगा, 400,000 माइनस 403,000 राइट डिवाइडेड बाय 5240 स्क्वायर जो भी आपका वो आ रहा है, ठीक है, और रूट यस डिवाइड बाय सिग्मा होता है ना. निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन व्हाट, व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस, विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस है ना, तो फिर लेस देन पॉजिटिव हो जाएगा. सोचो नॉर्मल का कर्व है, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस है तो लोअर देन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेस देन 0.57246 राइट. लेट्स गो टू द टेबल्स बुक अगेन, यू हैव दिस नंबर्स, लेट्स सी 57 एंड 58 पे मिलेगा वापस, तो 0.57 पे आपको क्या मिल रहा है, 0.58 पे क्या मिल रहा है देखते हैं. 57 पे क्या मिल रहा है बताओ, 0.71566. परफेक्ट, कर लो अब कैलकुलेट क्या होगा. डिनोमिनेटर में 0.71904 माइनस 0.71566 होगा राइट. आपको जो निकालना है वो एफ ऑफ एक्स माइनस 0.71566 इक्वल्स जो भी आपकी ये वैल्यू है, जैसे इक्वल्स ए, ठीक है. इसको अगर आपने कैलकुलेटर में ए में स्टोर करके रखा है, ए माइनस व्हाट लोअर 0.57 डिवाइडेड बाय 0.58 माइनस 0.57 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी.
any questions guys, any doubts? Batao. थ्री क्या बोला आपने? 336 देख लो सबका आंसर आ रहा है ना, ये कैलकुलेटर पे हार्ड बैठ रहे हो, जिसका पहला पेपर है हार्ड बैठ रहा है, ये धीरे करके मेक श्योर यू आर वेरी क्विक विद द कैलकुलेटर, राइट? दैट हेल्प्स अ लॉट. Any questions guys, any doubts, tell me. So far so good. Koi bhi dikkat? Achha, ek topic hai jiska naam hai continuity correction. Aap logon ne is topic ka naam pehle naam suna hai? Haan? Kiska purpose samajhte hai sabse pehle? Continuity correction hai kya? Theek hai? और क्यों यूज होता है, ठीक है? बिफोर गेटिंग राइट इनटू इट, हमने अप्रोक्सीमेशंस पढ़े थे, याद है? वी टॉक्ड अबाउट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस. क्या था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? पॉइजन से लैम्डा इक्वल्स एनपी किया था, है ना? वहां पे वी वर गोइंग फ्रॉम अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? वी आर गोइंग फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? np सॉरी np इक्वल्स लैम्डा अज्यूम करके फिर हमने जो उस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके अपना काम किया था, है ना? याद है ना सबको? अच्छा, व्हाट इज व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम अ व्हेन यू अप्रोक्सीमेट फ्रॉम अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टू अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इन दोस केसेस वी नीड टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर x follows binomial n comma p है, ठीक है? अगर आप approximation करोगे इसका कि अब x normally क्या follow करता है, बताओ x का approximately normal क्या होगा? अच्छा, what is expectation of x? What is expectation of x there for binomial n comma p? बताओ np. And what is variance? NPQ. तो क्या मैं normal में जो mu वाला part है उसमें NP लिख सकता हूँ और sigma square वाले part पे क्या लिखूंगा? NPQ, है ना? तो why? Because expectation of x is equals to NP and variance of x is equals to NPQ, right? That's why I can write it as NP comma NPQ. बताओ हाँ कि ना? Tell me guys, yes or no? ये समझ में आया कि मैं जब x को लाइक अप्रोक्सीमेटली फॉलो करवाऊंगा तब वो बाइनोमियल n कॉमा p से नॉर्मल np कॉमा npq हो जाएगा. बताओ हाँ कि ना? इज दैट क्लियर? अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज लिखूंगा, देखो दिस इज द राइट थिंग टू राइट. व्हाई? यही सही है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, ठीक है? x will approximately follow np comma npq. क्यों? देखा ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, तो अगर समेशन xi मतलब x follows binomial np है तो x approximately follow np comma npq होगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्या किया हमने? हमने अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक्सपेक्टेशन निकाला, वेरिएंस निकाला और उसको नॉर्मल के एक्सपेक्टेशन वेरिएंस में लगा दिया, ठीक है? ये हम कहीं भी कर सकते हैं, है ना? जैसे हमने क्लास के शुरू में y equals x1 plus x2 के लिए किया था, पॉइजन के लिए किया था, है ना? क्या किया था हमने? y
was equals to x1 plus x2 dot 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 x comma n, right? If each of these xi follow Poisson lambda say, what does y come out to be? What does expectation of y come out to be? Tell me. Lambda n over na, because it will be expectation of x1 plus expectation of x2 dot dot plus expectation of xn. So I'll have lambda n times, yes or no, right? And what will be variance of y? It will be variance of x1 plus variance of x2 going up till variance of xn, which is again is equals to n lambda, yes or no? So kya main keh sakta hu yahan y approximately follows normal n lambda comma n lambda. Ye samajh mein aaya? So yahan pe what is happening, we were at a what, discrete distribution. Y kya hai? Discrete hai, okay, it is a sum of discrete numbers, right? But after approximation, what have I made it? A continuous variable normal, right? So jab discrete se continuous variable pe aate hain, theek hai, to humne approximation to kar liya, well and good, but when we get to calculating probabilities, then we'll use something called continuity correction. Theek hai, why do we have to use this thing called continuity correction, ye samajhne ki koshish karenge. ठीक है, अच्छा, इन वेरी लेमैन, इन वेरी सिंपल टर्म्स, जब यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ से y इक्वल्स a कैलकुलेट करने की कोशिश करते, कुछ आता? एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी आती ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स 4, राइट, जब डिस्क्रीट था वो, कुछ तो आता, चाहे जीरो के पास आता, लेकिन आता सही. क्या इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स a एग्जिस्ट करता है? नहीं, दिस इज जीरो, राइट, बिकॉज इट इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. Yes or no? ठीक है, बिकॉज आप डेफिनेट इंटीग्रल लोगे, 4 to 4 होगा, तो अपने आप 0 आ जाएगा, राइट? तो ये अपने को कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स a या प्रोबेबिलिटी ऑफ से y इक्वल्स 4 कैलकुलेट करना है, तो मुझे समहाउ कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना होगा ना, क्योंकि y इक्वल्स 4 होना तो चाहिए ना. अगर अप्रोक्सीमेशन कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पर जो थी वो गायब हो जाए, वो तो गलत अप्रोक्सीमेशन हुआ ना, बताओ हाँ कि ना, यस yes? तो इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे अभी. ठीक है, दैट हाउ विल बी लाइक ट्राई टू अप्रोक्सीमेट दिस आउट. ठीक है, फॉर दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ठीक है, पहले यहां देख लो, सब लोग ग्राफ समझना, बाद में कॉपी डाउन कर लेना. ठीक है, अच्छा, अभी हम किस पॉइंट की बात कर रहे थे? 4 की बात कर रहे थे, राइट? ठीक है, अच्छा, जब हमने हिस्टोग्राम बनाया था, याद करो, डिस्क्रीट के लिए, तो हमने क्या किया था, उसको ब्रेक्स में कन्वर्ट कर दिया था, है ना? या फिर आप अगर ऐसे समझ सकते हो कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोग्राम्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ हिस्टोग्राम जो केवल 4 का कवर करता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन 4, तो मुझे एक ऐसा बार चाहिए होगा, है ना, कि वो 4 से पहले थोड़ा शुरू और 4 के बाद खत्म हो, क्योंकि इट इज अ थिक ग्राफ, राइट? अगर 5 के लिए कुछ बनाना है तो मुझे ऐसे बनाना होगा, राइट, अनदर वन, राइट, इन द मिड ऑफ विच आई हैव 5, यस और नो? तो इसमें, अच्छा, इसमें नहीं, ये वाला जो मिडल वाला पॉइंट है, ये क्या पॉइंट होगा? यस और नो? ये वाला पॉइंट सिमिलरली क्या होगा? 3.5, एंड दिस विल बी 5.5. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, और नाउ थिंक ऑफ इट एज एन लाइक कंटिन्यूअस का ग्राफ एज वेल. ठीक है, और कंटिन्यूअस में भी मैं सिमिलर ग्राफ बनाता तो ऐसा ही आता. ठीक है, तो जो 4 की प्रोबेबिलिटी है वो कहां आई? 3.5 to 4.5. समझ में आया? सो व्हाट डज दैट मीन? दैट x इज इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी करेक्शन के बाद? 3.5 लेस देन x लेस देन 4.5, बताओ हाँ कि ना? ठीक है, टेल मी यस ऑर नो, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा, अगर मुझे x ग्रेटर देन 4 कैलकुलेट करना था, ठीक है, क्या मुझे 4 को इंक्लूड करना था डिस्क्रीट में? डिस्क्रीट में इंक्लूड नहीं करना था, तो कहां से शुरू करूंगा? यहां से शुरू करूंगा ना, कहां से शुरू करूंगा?
साढ़े चार से 4.5 से, अरे यार दिस इज टू इरिटेटिंग, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 विल बिकम व्हाट, अब वहां पे तो कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन लिखूं कि ग्रेटर देन इक्वल लिखूं, बात एक ही है ना, सो ग्रेटर देन 4 विल बिकम ग्रेटर देन 4.5, टेल मी यस और नो, समझ में आया ये कंटिन्यूटी करेक्शन वाला फंडा, तो x ग्रेटर देन 4 विल बिकम x ग्रेटर देन 4.5, ठीक है, व्हाट विल x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बिकम, क्या मुझे 4 को इंक्लूड करना है, तो कहां से लेना होगा, 3.5 से, ठीक है, तो x greater than equal to 4 becomes x greater than 3.5, ठीक है, ये क्या है, ये discrete है, ये क्या है, ये continuous है, ठीक है, और क्या, अगर मैं x less than 4 बोलूं, तो मुझे क्या x को include करना है, तो मैं क्या करूंगा, x के नीचे से शुरू करूंगा, क्या हो जाएगा बताओ, एक ही बात है ना, less than बोलो, less than equal to बोलो, ठीक है, what about x less than equal to 4, ठीक है, because I want to include 4 now, include 4 करने के लिए कहां से शुरू करना पड़ेगा, 4.5 से, तो ये सोचो उसको include करना है कि नहीं करना है, उसको include करना है तो ऐसा कुछ करेंगे जैसे probability बढ़े, ठीक है, जैसे greater than equal to 4 करेंगे तो probability कैसे बढ़ेगा, जब greater than 3.5 करेंगे, greater than 4.5 करेंगे तो probability कम होगा, है ना, less than 4, 4 को include करना है, नहीं, तो probability कम करने के लिए क्या करूंगा, small x वाली और कम कर दूंगा, less than probability है ना, तो less than 3.5, समझ में आया ये continuity correction सबको, बना लो ये graph और ये rules लिख लो, हाँ, ऊपर हमने क्या किया था, ये वो poison वाला क्या था, समझने के लिए कि आप बाद में लिख सकते हो, यही मतलब केस है कि why do we do this, right, क्योंकि we are अप्रोक्सीमेटिंग कब करते हैं, जब डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस करते हैं, ओनली देन, ठीक है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं में नहीं करेंगे, जैसे डिस्क्रीट टू पॉइजन किया था वहां पे, सॉरी बाइनोमियल टू अप्रोक्सीमेशन किया था, कब तक कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, ओनली वेन वी अप्रोक्सीमेटिंग फ्रॉम डिस्क्रीट टू अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट यूजुअली आई हैव नॉट सीन एनी अप्रोक्सीमेशन, तो आई एम ऑल्सो अ बिट हाँ, बट इट शुड अप्लाई vice versa as well, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता ना कि कुछ कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो, यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन करते टाइम आप डिस्क्रीट से ही कंटिन्यूस आते हो यूजुअली, है ना, बट अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक अबाउट दैट, ठीक है, क्या हाँ, बहुत सारे पॉइंट हटाने होंगे, मतलब भाई अगर आप ranges की जगह points क्या आ रहे हैं, so it becomes quite difficult कि approximation work भी कैसे करेगा, it is I don't think it's feasible, I've never seen as well, तो मुश्किल है, ठीक है, any questions guys, tell me, sorry,
चलो विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड विल बी डन फॉर द डे ठीक है विल बी डन विद द चैप्टर एज वेल यहाँ तक सबने लिख लिया लिख लो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आराम से कर लो एक बार और सोच लो समझ में आ रहा है ना ग्रेटर देन 4 मतलब ग्रेटर देन 4.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ग्रेटर देन 3.5 लेस देन 4 मतलब लेस देन 3.5 और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब लेस देन 4.5 इक्वल टू 4 मतलब 3.5 और 4.5 के बीच में ठीक है इफ यू कीप दिस इन माइंड ऑल ऑफ दीस जस्ट फॉलो फ्रॉम दैट राइट Let's look at the next question now. Write down this question. The average number of calls received per hour by an insurance company is 5. Calculate the probability that in 8 hours the number क्वेश्चन पढ़ो पूरा प्रोबेबिलिटीज यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ठीक है क्वेश्चन समझ में आया इट्स जस्ट इंटेंसिव कैलकुलेशन एंड इन वन पार्ट यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन या What is x follows if x is a random variable for number of calls in 8 hours? What is, does it follow? Poisson? If x is a random variable for number of calls in 8 hours, what does it follow? X follows Poisson? 40. मैंने कहा x is a random variable for number of calls in 8 hours. हमें जो दिया गया वो per hour दिया गया. The average number of calls received per hour by an insurance company is 5. Calculate the probability that in 8 hours, है ना? अपने को एक घंटे का रेट दिया गया, time frame and rate, तो मतलब poison ना? समझ में आया? कि x poison क्यों follow करता है? Going back to basics, right? Time frame, time frame and an event rate, ठीक है? So it's poison, right? अपने को एक घंटा में 5 दिया गया, मतलब 8 घंटे में 40, ठीक है? So x follows poison 40. Now let's calculate exact poison probabilities first. Probability of x equals 36 calculate कर लो क्या होता है e to the power minus lambda into lambda to the power x divided by x factorial हाँ कि ना बताओ क्या आ रहा है बताइए ठीक है फिर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 42 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 45 है इंक्लूसिव बोला है ना बोथ बिटवीन 42 एंड 45 इंक्लूसिव व्हाट कैन यू डू हियर कैन यू लेवरेज द tables book by any chance that's what I'm thinking right now anyways 36 ke liye milna mushkil hai nahi 36 ke liye nahi hai they give you till what 20 does not help guys 25 tak hi hai to
मैनुअली कैलकुलेट कर लो, 542, 543, 544, 545 चार ही तो है, चार पीडीएफ को समअप कर लो. बताओ क्या आ रहा है. देखो ये आएगा 0.206 3202 ऐसा कुछ आएगा, देखना. हाँ हाँ ये जैसे 36 के लिए हुआ ना वैसे 42 के लिए, फिर 40 प्लस प्लस होता रहेगा. 43, 42, 43, 44, 45 चार पॉइंट्स के लिए. देख लीजिए ये आंसर आ रहा है ना. राइट. सही है, कोई भी दिक्कत बताओ. आ रहा सबका ये आंसर? एनी क्वेश्चंस गाइस? सही है यहाँ तक? बताओ. बस लास्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसी का नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करने के पहले क्या करते हैं अपने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स निकालेंगे, है ना, और उसी को नॉर्मल के म्यू और सिग्मा स्क्वायर में डाल देंगे, है ना. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स 40 एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स 40, हेंस एक्स अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल 40, 40. बताओ हाँ कि ना, है ना. अगर ये आ गया तो अपने क्या निकालना है, अब अगर एक्स इक्वल्स 36 का है तो क्या करेंगे इसका नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, एक्स. परफेक्ट. हाँ पॉइजन. करेक्ट 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 दैट इज व्हाट वी डिड इन द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ना. एनपी को लैम्डा ले लिया था, यहाँ पे दो पैरामीटर है नॉर्मल के, तो म्यू के लिए भी और सिग्मा के लिए, सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए करेंगे, है ना. इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, विल ब्रेक इट डाउन इन टर्म्स ऑफ टू सीडीएफ, राइट, x less than 36.5 minus x less than 35.5, right? फिर दोनों को normalize कर दोगे, ठीक है? बताओ क्या आ रहा है दोनों z, probability of z less than what minus probability of z less than what? पहले वाला positive आएगा, दूसरे वाला negative आएगा. अच्छा दूसरे दोनों नेगेटिव आएंगे, सॉरी दोनों में माइनस 40 कर रहे हो ना, वो दूसरे वाले का है ना, 35.5 को जब नॉर्मलाइज किया 0.569210 आ रहा है. आपने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था क्या बीच में?
यही आ रहा है, एग्जैक्ट यही आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा था, आपने क्या कहा, -0.24735। फर्स्ट बारे में मेरा भी अलग आया था, करेक्ट। देखो आपका, देखो कुछ टाइप मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेटर में। लेस देन माइनस मतलब ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब 1 - p z < +1, 1 - probability of z < 0.55339। वापस यहाँ पे भी वही, -1 + probability of z < 0.71151247 35। यू कैन अप्रोक्सीमेट टू 4 decimal digits, बट वॉट आई प्रेफर इज यू कीप स्टोरिंग थिंग्स इन द कैलकुलेटर, राइट, दैट यू गेट लाइक एक्यूरेट आंसर्स। क्या आ रहा है बताओ फाइनल आंसर इसका? एक सेंस चेक हमेशा रखना, जो भी आ रहा है ना वो इसके पास आना चाहिए, ये पॉइंट ऊपर वाला जो अपना एग्जैक्ट है, ये 0.05 है, 0.1 आ रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। करना बेटर रहेगा 0.55, 0.56, इट डिपेंड्स आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, राइट, इट्स गुड टू डू एन इंटरपोलेशन। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। 0.0523 आ रहा है, या ऑफ बाय अ बिट, ठीक है। इंटरपोलेशन करके कुछ ऐसा आना चाहिए, देखना 0.051615036632। अच्छा ठीक है, ये बाद में कैलकुलेट कर लेना, बट सबको आता है ना ये कैलकुलेट करना, है ना? आ गया है वो, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला देखो क्या है, यहाँ देखो कैलकुलेशन कर लेना बाद में, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो फिर क्या लिखा है, 42 and 45 इंक्लूसिव, राइट। सो 42 < =x < =45, लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है मतलब दोनों साइड प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी बताओ, वापस सोचो। 41.5 होगा ना, कि प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब बाहर की तरफ जाएंगे इसमें, है ना, लेस देन एक्स लेस देन व्हाट, लेस देन में अपने को ये करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन है सोचो, ठीक है, दिस इज नॉट लेस देन ना, ये पहले वाला जो है, दिस इज एक्स ग्रेटर देन 41.5, है ना, इफ यू फील कंफर्टेबल ब्रेक इट डाउन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 45 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 42, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 41.5, ये आ गया, है ना,
ठीक है ना, वापस दो बनेंगे है ना, कैसे बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 41.5, राइट, दोनों लेस देन पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, अब वन माइनस करने का झमेला नहीं रहेगा। हाँ राइट, एक सेकंड रुको, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, जेड लेस देन 2, 3। बढ़िया, कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा देखना, पॉइंट समझ में आया कंटिन्यूटी करेक्शन का पर्पस। हर स्टेप पे आप 4 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर सकते हो। इंस्टीट्यूट इनफैक्ट सेज आई थिंक 3 डेसिमल प्लेसेस ओनली, या इंस्टीट्यूट यूजेस 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप हर स्टेप पे 3 पे कर सकते हो और फाइनल पे 4 पे दिखा सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कर लो ये। कल सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स, आई थिंक आई मिस्ड कॉन्वल्यूशंस टुडे, तो हो सकता है एट द बिगिनिंग वी डू कॉन्वल्यूशंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, आपका सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स है ना, पॉइंट एस्टिमेशन तो है नहीं, अंटिल यहीं पे है क्या, सीएलटी तक? अच्छा, तब फिर आई विल इन्फॉर्म, कितने बजे कल, तो 9 बजे है ना क्लास, है ना, कल कॉन्वल्यूशंस नहीं करेंगे, कल सैम्पलिंग एंड स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस ही होगा। आई थिंक कल पूरे दिन अपने थ्योरी ही करेंगे कि क्या करेंगे, लेट मी थिंक अबाउट इट। परसों भी है ना क्लास, कितने बजे का परसों, 10 बजे से कि 9? 2 से 4 है, 2 से 6 बोला गया। अच्छा, तो कल या परसों में से एक दिन आर होगा, शायद परसों ही करेंगे। ठीक है, वो नॉर्मल लॉग नॉर्मल छोड़ के रखा था ना, याद है ना, वो करेंगे कल, थ्योरी ही करेंगे। ठीक है, सो टुमारो विल स्टार्ट विल सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस एंड देन विल मूव ऑन टू पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, नथिंग सर? हाँ, रिकॉर्डिंग्स फॉर द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम 6th अक्टूबर ऑनवर्ड्स कब तक अपलोड होंगे? यार 6th अक्टूबर ऑनवर्ड्स अपलोड नहीं हुए क्या? ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दिस टुडे, आई विल ट्राई टू गेट इट अपलोडेड बाय टुमारो, हो सकता है एक दिन का।